नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का मैच है, सुबह सुबह का आज का मैच है मेलबॉर्न रेनेगेड्स एंड सिडनी सिक्सर के बीच, और इस मैच में काफ़ी अच्छा रोचक होने वाला है। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इससे मैच की पॉइंट टेबल की। जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट टेबल काफ़ी अच्छा हो चुका है। पॉइंट टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट टेबल देख सकते हैं। पॉइंट टेबल में बेसबॉन हिट सबसे ऊपर बना हुआ है, 5 मैच में 3 जीत और 1 हार के साथ। जो है सभी का 5-5 है, और किसी ने 6 मैच खेले हैं, किसी ने 5 मैच खेले हैं, जहाँ का सिडनी सिक्सर ओवन जो है 5 मैच खेले हैं, 2 जीत और 2 हार के साथ 5 पॉइंट है उनके लिए, और आरन बंदर जो है वो माइनस है। तो सिडनी सिक्सर के लिए ये मैच बहुत ही अहम है, और सिडनी सिक्सर के महत्वपूर्ण मैच है अगर इस दौर पर माना जा रहा है। अगर यहाँ पर सिडनी सिक्सर नहीं जीते हैं तो जो है 5 पॉइंट हो जाएंगे, 6
सात विकेट से जीत हासिल किया था। जी हां, सात विकेट से यहां पर जीत हासिल किया था पिछली मैच में। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहां पर 2020 में भी मेलबोर्न रेनेगेट्स जो यहां पर आपको बात करते हैं जो पांच एनकाउंटर लास्ट जो पांच मैचेस इन दोनों के बीच खेले गए हैं उसमें दो बार सिडनी सिक्सर ने जीत हासिल किया है और एक तीन बार जो है यहां पर मेलबोर्न रेनेगेट्स ने जीत हासिल किया है। आप बात करते हैं जिन खिलाड़ियों पे हमारी नज़र रहने वाला है। जी हाँ, जिन खिलाड़ियों के ऊपर हमारी नज़र रहने वाला है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिसा पेरी और निकोला बोल्टन, दोनों ही काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। एलिसा पेरी की अगर बात करें तो एलिसा पेरी यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेट्स के खिलाफ, सिडनी सिक्सर के एलिसा पेरी जो है यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेट्स के खिलाफ 50 रनों की पारी खेल चुकी है और मेलबोर्न स्टार के खिलाफ 40 रनों की, हेवर्ट हरकन्स के खिलाफ 27 रनों की पारी ऑलरेडी खेल चुकी है। मतलब आखिर के जो तीन पारियाँ हैं इनकी एलिसा पेरी की वो काफ़ी अच्छा है। एलिसा पेरी की अगर बात करें, जी हाँ एलिसा पेरी की अगर हम बात करें तो एलिसा पेरी बॉलिंग में भी इन्होंने दो विकेट निकाल चुके हैं। एलिसा पेरी ने भी दो विकेट निकाल चुके हैं हेवर्ट हरकन्स के खिलाफ, तो ये काफ़ी रोचक होगा देखना। और इनकी T20 कैरियर काफ़ी अच्छा है, इनका एवरेज 27 का एवरेज से ये रन बनाती है और बॉलिंग में भी 115 विकेट निकाल चुकी है और इकोनॉमी काफ़ी अच्छा 5.87 का इनका जो है इकोनॉमी रेट है, तो काफ़ी अच्छा रोचक होने वाला है ये मैच। तो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेट्स की हम प्लेइंग 11 यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। मैंकी ब्लो, पिछली मैच में मैंकी ब्लो को मौका मिला था मगर उतने खास ये नज़र नहीं आई, और एवलिन जोन्स तो यहाँ पर खेलते हुए नज़र आएंगे, प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। आज मैंकी ब्लोज को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि पिछला मैच खेला था और पिछली मैच में उनका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे पता नहीं है किस लिए इनको टीम में शामिल किया गया था, ना बॉलिंग करवाया ना इनका बैट ऊपर क्रम में बैटिंग करवाए थे। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं हम कॉर्टनी वेब की। जी हाँ, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। कॉर्टनी वेब की बात करें तो आप यहाँ पर कॉर्टनी वेब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। पिछली मैच में सिडनी थंडर्स के खिलाफ इनका बल्ला नहीं चला था मगर आपको बता दें ये बॉलिंग भी यहाँ पर करती है। बॉलिंग जो है, बॉलिंग में इन्होंने सिडनी थंडर्स के खिलाफ तीन विकेट, सिडनी सिक्सर के खिलाफ एक विकेट और एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ इनको विकेट नहीं मिला था। काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है और यहाँ पर ओपन करते हुए भी शायद आपको दिख सकता है। कॉर्टनी वेब बेहतरीन खिलाड़ी है और यहाँ पर आपको ओपन करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेट्स की और एक खिलाड़ी, ये तो आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, जेमेयर रॉड्रिगेज, जो कि काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है। जेमेयर रॉड्रिगेज चार मैच अभी तक खेल चुकी हैं और चार मैचों में इनका जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी है। रॉड्रिगेज की अगर बात करें हम, जी हाँ यहाँ पर रॉड्रिगेज की अगर बात करें तो रॉड्रिगेज जो है यहाँ पर प्लेइंग 11 में खेलेंगे ज़रूर। रॉड्रिगेज राइट हैंडेड बैट्समैन है और पिछली मैचों में इन्होंने सिडनी थंडर्स के खिलाफ 75 रनों का एक जबरदस्त इनिंग्स खेला था। तो भाई यहाँ पर 100 से ऊपर ज़्यादा रन बना चुकी है चार मैचों में।
काफ़ी बेहतरीन आखिरी के जो मैचेस खेले गए हैं, आखिरी मैच जो सिडनी थंडर्स के खिलाफ खेले गए उस मैच में रॉड्रिगेज ने 133 की एवरेज यहां पर स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था, तो ये भी प्लेइंग 11 में शामिल होंगी जरूर। हरमनप्रीत कौर मेलबॉर्न रेनेगेड्स की, हरमनप्रीत कौर ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और भारत से बिलोंग करती है और मौका भी मिला है इनको। ये सबसे कामयाब खिलाड़ी है मेलबॉर्न रेनेगेड्स के लिए, अब तक 4 मैच खेल चुकी है बिग बैश लीग में। बात करते हैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की, तो हरमनप्रीत कौर जो है एक बेहतरीन खिलाड़ी है और राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी डालती है। बिग बैश लीग में इन्होंने भाई काफ़ी, पिछला मैच सिडनी थंडर्स के खिलाफ इनका जो बल्ला था वो नहीं चला था और कैटी पीटरसन की गेंद पे ये LBW आउट हुई थी, मगर हर एक मैच में इन्होंने विकेट ले चुके हैं। 4 मैचों में इनके नाम 5 विकेट है और काफ़ी बेहतरीन रन बनाते हैं। पिछला मैच को अगर छोड़ दे सिडनी थंडर्स के खिलाफ, इन्होंने सिडनी सिक्सर के खिलाफ 33 गेंदों पे 35, 36 गेंदों पे 41 रन बनाए थे एडिलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ और हेवर्ट हैरिकन्स के खिलाफ 24 नाबाद, मतलब आउट नहीं हुए थे, नॉट आउट थे। तो ये भी आज आपको प्लेइंग 11 में दिख जाएगा, तो भाई बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं इला यहाँ पर और कौन रहेगा, सोफिया मॉलिनेक्स की बात करते हैं। सोफिया मॉलिनेक्स जो कि कप्तान है, ये भी आपको मेलबॉर्न रेनेगेड्स की तरफ से प्लेइंग 11 में दिख जाएगी। बात करते हैं डफिन की, तो डफिन को पिछली मैच में मौका मिला था खेलने के लिए। जसप्रीत डूली जो है ये अपना खेल खेल रही है और डूली की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन जो है इनका रिकॉर्ड, बैट्समैन विकेट कीपर है और राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग करते हैं। पिछली मैच में 37 रन को छोड़ दे तो इनका जो है अभी तक बिग बैश लीग में वो आखिरी मैच में 37 रन बनाई थी और उसके बाद बैटिंग इनको नहीं मिला था, 2 मैचों में बैटिंग नहीं मिला था, मगर जब भी बैटिंग मिला है तब भी कमाल कर दिया है। ओपनिंग स्लॉट में आई थी पिछली मैच में डूली और आज देखना होगा कि यहाँ पर बारिश हो रही क्या सर, भाई अभी तक तो बारिश का कोई खबर नहीं है रवि रावत जी, अभी तक बारिश का कोई खबर तो हमें नहीं लगा है, तो देखना होगा कि कब तक यहाँ पर टॉस का कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि नहीं, तो ये भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख जाएंगी। जी हाँ, ये भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख जाएंगी। आज जॉर्जिया वेरहम को खिलाना चाहिए मुझे, मेरी हिसाब से देखा जाए तो ये मोटा मोटी मेलबॉर्न रेनेगेड्स की यहाँ पर आप प्लेइंग 11 देख सकती है। मैंकली ब्लोज, एवलिन जोन्स, कॉटनी वेब, जेमेयर रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, कार्ली लेसन का भी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, डूली जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, जेस डफिन, मॉलिनेक्स, एली हेवर्ड, ये सारे आपको प्लेइंग 11 में दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर की, जो प्लेइंग 11 रहने वाला है उसके बारे में। सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 एलिसा हिली एंड शेफाली वर्मा, ये दोनों आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगी। जी हाँ, एलिसा पैरी या पर शेफाली वर्मा और एलिसा हिली जो विकेट कीपर है, ये दोनों आपको यहाँ पर ओपन करते हुए नज़र आ जाएगी। एलिसा हिली की बात करें तो एलिसा हिली जो है काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है और शेफाली वर्मा लगातार फेलियर होते हुए आई है। विकेट कीपर बैट्समैन है एलिसा हिली और राइट हैंडेड बैट्समैन है। पिछली मैचों में इनको हरमनप्रीत कौर ने रेनेगेड्स के खिलाफ, मेलबॉर्न रेनेगेड्स के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने कॉटन बोर्ड आउट किया था 5 रनों के स्कोर पे और इनका जो बिग बैश लीग में पहली शुरुआत मैच हुआ था जो कि सिडनी थंडर्स के खिलाफ हुआ था, उस मैच में 57 रनों का इनिंग्स खेला था। तो फिलहाल इनका बल्ला जो है खामोश है, दो ओपनिंग स्लॉट है यहाँ पर शेफाली वर्मा का, तो शेफाली वर्मा का भी बल्ले से जो है वो
बैटिंग नहीं देखने के लिए मिला था। 157 रनों का इनिंग्स है और बाकी दो लगातार दो इनिंग्स रेनेगेट्स के खिलाफ और सिडनी थंडर्स के खिलाफ इनका जो बल्ला है ये नहीं बोला था, जीरो पे आउट हुई थी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शेफाली वर्मा एंड एलिसा हिली ओपन करते हुए आएंगी ज़रूर, मगर इनका जो ओपनिंग स्लॉट है ये अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाई है जिनका उम्मीद यहाँ पर एलिसा फिली पैरी लगाई हुई है। गार्डनर एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और बेहतरीन परफॉर्म अभी तक कर चुकी है, बॉलिंग में बोलिए बैटिंग में बोलिए। बैटिंग में ये तीसरे नंबर पर आती है, मतलब ओपनिंग के बाद पहला फर्स्ट डाउन पे आती है और राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती है। बात करें यहाँ पर बैटिंग में, इन्होंने सिडनी थंडर के खिलाफ 31 रनों का इनिंग्स खेला था, बैटिंग में वो काफ़ी कामयाब नहीं रही है, 31 रनों का पारी है 39 गेंदों पे, मगर बॉलिंग में इन्होंने अब तक 4 मैचों में 3 विकेटें निकाल चुकी हैं। तो उम्मीद है आज भी यहाँ पर एलिसा पैरी जो कि कप्तान है यहाँ पर गार्डनर से उम्मीद करेगा एक अच्छी पारी का। निकोला बोल्टन काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी, निकोला बोल्टन की अगर बात करें तो बेहतरीन खिलाड़ी है निकोला बोल्टन। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती हैं और रेनेगेट्स के खिलाफ इनका 38 रनों का पारी है। पिछली मैच में इन्होंने यहाँ पर निकोला बोल्टन और एलिसा पैरी ने एक शानदार साझेदारी करते हुए स्कोर को 118 तक पहुँचाया था, बाकी इनको जीत नहीं मिला था, मगर अच्छी पारी खेला था एलिसा पैरी 50 रनों का और निकोला बोल्टन जो कि 38 रनों का। तो ये दोनों भी प्लेइंग 11 में शामिल है, एलिसा पैरी तो कप्तान है, निकोला बोल्टन, एरिन बार्न्स को मौका नहीं मिल रहा है अभी तक, उसके बाद मिथलेन ब्राउन, जी हाँ काफी कमाल की गेंदबाज है मिथलेन ब्राउन, स्टेला कैम्बेल एंड राधा जाधव। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो भाई राधा जाधव जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है और आपको यहां पर दिख जाएंगे, काफी बेहतरीन यहां पर मैच स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर टॉस टाइम हो चुका है, जी हां टॉस टाइम हो चुका है और देखते हैं टॉस कौन जीतता है। आपके अगर आप बात करें जो यहां पर टॉस कौन जीत सकता है भाई, कमेंट करके हमें जरूर बताइए टॉस कौन जीत सकता है। टॉस टाइम हो चुका है और थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है और यहाँ पर सभी दोस्तों को मैं बोलूँगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पिछली मैच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेलबोर्न स्टार ने मेलबोर्न रेनेगेट्स एंड सिडनी सिक्सर के खिलाफ खेला गया था, उस मैच की अगर बात करें, जी हाँ यहाँ पर उस मैच की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं उस मैच में सिडनी सिक्सर ने पहले बैटिंग करते हुए 118 रन बनाए थे, जहाँ पर एलिसा पैरी ने 5 रन, जी हाँ एलिसा हिली ने 5 रन, शेफाली वर्मा ने कोई रन नहीं बनाए थे, उसमें सोफिया मॉलिनेक्स ने यहाँ पर आउट किया था शेफाली वर्मा को। यहाँ पर गार्डनर ने 7 रन बनाए थे, मगर एलिसा पैरी और निकोला बोल्टन ने एक अच्छे साझेदारी देखते हुए स्कोर को 118 तक पहुंचाया था, मगर आखिर में निकोला बोल्टन आउट हो गए थे, कॉर्टनी वेब ने उनका विकेट निकाला था। बॉलिंग की अगर बात करें, पिछली मैच जो सिडनी सिक्सर और मेलबोर्न रेनेगेट्स के बीच खेला गया था, उस मैच में सोफिया मॉलिनेक्स ने 4 ओवर डाले थे, 18 रन दे के 1 विकेट निकाला था। हरमनप्रीत कौर ने भी 4 ओवर डाले थे, 17 रन दे के 2 विकेट निकाले थे और कॉर्टनी वेब एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर डाले,
30 रन देके एक विकेट निकाले थे। तो ये तीनों जो गेंदबाज थे इनको विकेट मिला था और बाकी सारे जो गेंदबाज है उनको विकेट नहीं मिला था। मेलबोर्न रेनेगेड्स चेस करते हुए एवलिन जोन्स ने 38 रनों का पारी खेला था। जेमिया रॉड्रिगेज के साथ 14 रन, जेमिया रॉड्रिगेज 14 रनों पर रन आउट हुए थे। तो किस्मत खराब थी उस मैच में जेमिया रॉड्रिगेज का, और पिछली मैच में शानदार रॉड्रिगेज ने बैटिंग किया था, तो आज उम्मीद है कि यहां पर अच्छी बैटिंग रॉड्रिगेज के बल्ले से दिखाई देगा। कॉटनी वेब जो कि कॉटन बोल्ड राधा यादव बाय 23 रन, हरमनप्रीत कौर यहां पर नॉट आउट थे 35 रनों में, और जस डाफिन ने नॉट आउट थे 6 रन बना के, और रन को 17 ओवर में ही चेज कर लिया गया था। तो मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन जो है यहां पर काफी स्ट्रांग टीम मानी जाएगी। बात करते हैं दो विकेट जो गिरे थे यहां पर, आपको बता दें दो, एक विकेट तो रन आउट हुए थे जेमिया रॉड्रिगेज, और दो विकेट जो गिरे थे वो लिया था राधा यादव एंड स्टेला कैम्बल ने। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है और टॉस के बाद हम प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे। जी हाँ, प्लेइंग 11 की भी हम बात करेंगे। तो भाई हमारे साथ, जी हाँ, सिडनी सिक्सर ओमेन ने टॉस जीत के पहले यहां पर बॉलिंग करने का फैसला किया है। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आपको बता दें आज का मैच मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन्स एंड सिडनी सिक्सर ओमेन्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में सिडनी सिक्सर ओमेन्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भाई टॉस हो चुका है और टॉस जो यहां पर प्लेइंग 11 है थोड़ी ही देर में आ जाएगा भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होने वाला है ये। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का करने का फैसला किया है। इस ग्राउंड में बता दें, इस ग्राउंड में अब तक कोई बिग बैश लीग का, वुमेन्स बिग बैश लीग का, इंटरनेशनल क्रिकेट कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुका है भाई, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुका है। और आपको बता दें यहां पर जेमिया रॉड्रिगेज मेलबोर्न स्टार, मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन जो है यहां पर बैटिंग करेंगी। तो जेमिया रॉड्रिगेज के साथ कॉटनी वेब, एबलिन जोन्स या कौन आ सकेगा। पिछली मैच में हम लोगों ने देखा था जेमिया रॉड्रिगेज के साथ ओपन किया था जेई डूली, डूली ने ओपन किया था। तो आज देखना होगा कि कौन आते हैं ओपन करने के लिए। आज विकेट कीपर डूली क्या जेमिया रॉड्रिगेज के साथ ओपन करने आएगा, देखना पड़ेगा। टॉस मेलबोर्न यहां पर जीता है सिडनी सिक्सर ने, सिडनी सिक्सर ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जेमिया रॉड्रिगेज यहां पर मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से प्लेइंग 11 आ चुका है। जेमिया रॉड्रिगेज, जेस डाफिन, कॉटनी वेब, हरमनप्रीत कौर, एवलिन जोन्स, सोफिया मॉलिनेक्स, डूली, कार्ली लेसन, एली फुलकॉर्नर, इला हेवर्ट, हॉली फार्लिंग। तो यहां पर पहले ओपन करते हुए हमें जेमिया रॉड्रिगेज और डूली दिखाई दे सकते हैं। अगर यहां पर कप्तान डूली को नहीं भेजेंगे तो यहां पर एवलिन जोन्स भी शायद ओपन कर सकते हैं जेमिया रॉड्रिगेज के साथ। कॉटनी वेब उसके बाद आ सकते हैं, उसके बाद कॉटनी वेब, जेस डाफिन, हरमनप्रीत कौर। अगर प्रेजेंट सिचुएशन अच्छा रहेगा तो हरमनप्रीत कौर भी आ सकते हैं सेकंड डाउन पे, चौथे नंबर पे हरमनप्रीत कौर भी आ सकते हैं। पांचवें नंबर पे आएंगे मॉलिनेक्स, कार्ली लेसन, उसके बाद आ सकते हैं एली फुल कॉर्नर। दूसरी तरफ हम सिडनी सिक्सर की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर
दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पर सिडनी सिक्सर की, तो एलिसा पैरी, गार्डनर, निकोला बोल्टन, शेफाली वर्मा, रिक्स, ये काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। इनको आप पांचवें या छठे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, साथ में गेंदबाजी इनका भी काफ़ी कमाल का है। मिथलेन ब्राउन एक बेहतरीन बॉलर है और लगातार हर एक मैच में एक विकेट जरूर निकालते हैं और इकोनॉमी काफ़ी अच्छा है। राधा जादव इंडियन क्रिकेटर है और आप जानते हैं राधा जादव कैसी खिलाड़ी है और काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, और राधा जादव किसी भी मैच को रुख बदल सकता है विकेट लेके। मोरे, जिनका बारे में उतना कुछ मुझे पता नहीं है, मोरे ने 4 मैच अभी तक बिग बैश लीग में खेल चुके हैं। चिटली, लूरेन चिटली एंड स्टेला कैम्बेल, ये सारे जो है यहाँ पर सिडनी सिक्सर के प्लेइंग 11 है और सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो भाई थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर मेलबॉर्न पॉइंट टेबल की। जो भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं सबको भाई बता दूं इन दोनों के बीच हेड टू हेड की, तो मेलबॉर्न रेनेगेड्स वोमेन एंड सिडनी सिक्सर वोमेन्स के बीच कुल 14 मैच खेल चुके हैं। जी हाँ, कुल 14 मैच खेल चुके हैं। 14 मैचों में 5 बार जो है मेलबॉर्न रेनेगेड्स वोमेन ने जीत हासिल किया है और 9 बार जो है सिडनी सिक्सर वोमेन ने जीत हासिल किया है। तो देखना होगा कि आज का ग्राउंड जो है वो नया ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे कैसे स्कोर रहता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे अब तक वोमेन्स बिग बैश लीग का कोई भी यहाँ पर मैच नहीं खेला गया है। वेदर की बात करें तो वेदर काफी अच्छा है भाई, वेदर काफी अच्छा है। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे कि लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है यहाँ पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएगी। तो भाई क्या यहाँ पर जो भाई हमारे साथ बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करे और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे भाई। सात बज के 55 मिनट पे यहाँ पर आपको मैच दिखाई देगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर जेमेयर रोड्रिगेज का। जी हाँ, जेमेयर रोड्रिगेज का हम बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती हैं मगर बॉलिंग उनकी नहीं दिखाई दिया है इतना तक, और बैटिंग में वोमेन्स इंटरनेशनल T20 में भारत के लिए ये 50 मैच खेल चुकी हैं और 50 मैचों में इन्होंने 27 का एवरेज से 1055 रन इनके खाते में है। खास करके बैटिंग करते हुए पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 42 मैचों में, जी हाँ टोटल मैच जितने भी खेले हैं, टोटल डोमेस्टिक द 100 T20 मैचेस सब मिला के इन्होंने कुल 78 मैच खेल चुके हैं। 78 मैचों में इन्होंने 2009 रन बना चुकी है, 32 की इनका एवरेज रहा है। टोटल जितने भी डोमेस्टिक बोलिए, द 100 बोलिए और वोमेन्स इंटरनेशनल बोलिए, सब मिला के हाइस्ट स्कोर 112 रनों का है और पहले बैटिंग करते हुए इनका जो औसत है वो 30 का है, एवरेज है। सेकेंड बैटिंग में इनका औसत बढ़ जाता है, 36 का हो जाता है। तो भाई काफी कमाल का यहाँ पर मैच होने वाला है। दूसरी तरफ बात करते हैं एवलिन जोन्स की। जी हाँ, एवलिन जोन्स की अगर बात करें, यहाँ पर डूली की भी बात कर लेते हैं। मैं पहले हम बात कर लेते हैं भाई डूली की, जो कि आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं जेमेयर रोड्रिगेज के साथ। डूली जो है यहाँ पर बैट्समैन कीपर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। अगर बात करें डूली की तो यह अब तक है कुल 43 मैच खेल चुके हैं वोमेन्स डोमेस्टिक T20 में, इनको अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चांस नहीं मिला है और डोमेस्टिक T20 में इन्होंने 43 मैचों में
22 की एवरेज से 449 रन बना चुका है। पहले बैटिंग करते हुए इनका एवरेज काफी खतरनाक एवरेज है। 42 की एवरेज से इन्होंने 299 रन बना चुकी है, तो काफी भाई खतरनाक यहां पर हो सकते हैं डूली। सेकंड बैटिंग मतलब फास्ट बैटिंग में, फास्ट बैटिंग करते हुए डूली का जो यहां पर एवरेज है वो 42 का एवरेज है। तो आज मौका है यहां पर डूली क्या ओपन करेगा कि नहीं करेगा, देखना होगा। बात करते हैं एवलिन जोन्स की। जी हां, एवलिन जोन्स की हम बात कर लेते हैं। एवलिन जोन्स जो कि आपको खेलते हुए नजर आएंगी यहां पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स के लिए, ये एक अच्छी ऑलराउंडर है एवलिन जोन्स। एवलिन जोन्स एक अच्छी ऑलराउंडर है। आज दो मैचेस ये नहीं खेली हैं, लास्ट के दो मैचेस ये नहीं खेली है, मगर आज मौका मिला है खेलने का एवलिन जोन्स। एवलिन जोन्स की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी डालते हैं। अब तक कुल डोमेस्टिक T20 में 44 मैच खेल चुके हैं। 44 मैचों में इन्होंने 25 की औसत से 913 रन बना चुकी है। बॉलिंग भी इनका कमाल है और 44 मैचों में सिर्फ 4 विकेट निकाल चुकी है। एवलिन जोन्स को जब भी मौका मिला है बॉलिंग और बैटिंग में काफी कमाल की पारियां इन्होंने निकाल के दिया है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कॉर्टनी वेब की जो पारी है वो काफी कमाल की है और ये आपको फास्ट डाउन तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगी। बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर की। तो हरमनप्रीत कौर जो है यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगी। अगर सिचुएशन अच्छा रहेगा तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर आ सकती है। अगर सिचुएशन यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स के खिलाफ रहता है तो जेस डफिन आ सकती है बैटिंग करने के लिए चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे यहाँ पर आ जाएंगी सोफिया मॉलिनेक्स। पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे आ सकते हैं कार्ली लेसन, एली फुल कॉर्नर, इला हैवर्ट, हॉली फार्डिंग। ये काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 है मेलबॉर्न रेनेगेड्स का। पिछला मैच भी इन्होंने जीता था सिडनी सिक्सर के खिलाफ। दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर की बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में आपको मिथलेन ब्राउन, यहाँ पर लूडन चिटली एंड स्टेला कैम्बेल, ये आपको तेज गेंदबाजी का संभलेंगी। साथ में आपको राधा यादव, एंकल रिक्स, ये बॉलिंग करते हुए निकोला बोल्टन, ये भी काफी कमाल के गेंदबाज है निकोला बोल्टन। निकोला बोल्टन की अगर बात करें तो एक 32 साल उम्र है और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के लिए खेल चुकी है। लगातार मैचेस में इन्होंने सिर्फ हैवर्ट हेलिकन्स के खिलाफ 2 विकेट निकाले थे। बैटिंग की अगर बात करें तो मेलबॉर्न रेनेगेड्स के खिलाफ इन्होंने 38 रनों का पारी खेल चुकी है। तो भाई अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग करते हैं और राइट आर्म लेग ब्रेक डालती हैं। तो यहाँ पर मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से बैट यहाँ पर निकोला बोल्टन को यूज किया जाएगा। तो काफी स्ट्रांग है और थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। सिडनी सिक्सर ओमेंस ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बने रहिए भाई लाइक हमारे साथ। जो भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा भाई
जल्दी से जल्दी लाइक करो और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, मेलबोर्न क्रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर के बीच ये मैच है जो कि खेला जाएगा। और टॉस हो चुका है, सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से जेमिया रॉड्रिगेज के साथ ओपनिंग कौन करेगा भाई, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मुझे लगता है कि पिछली मैच में शानदार शुरुआत दिया था डूली और जेमिया रॉड्रिगेज ने, तो यहाँ पर जेमिया रॉड्रिगेज के साथ जेस फाइन डूली यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आएंगी। बात करते हैं पिछली मैच में, यहाँ पर मॉली नेक्स ने लगातार मैचेस में ओपन करते हुए आई है, तो देखना होगा कि आज है कौन क्या ओपन करते हैं। कैमरन यहाँ पर, कैमरन पिछली मैच में यहाँ पर ओपन फास्ट डाउन पे आई थी, तीसरे नंबर पे कैमरन आई थी, और देखना होगा कि आज किसको मौका देते हैं। कैमरन आज नहीं खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एवलिन जोन्स या कॉटनी वेब, इन दोनों में से कोई एक आ सकते हैं तीसरे नंबर पे, या एवलिन जोन्स ओपन भी कर सकते हैं जेमिया रॉड्रिगेज के साथ। खास करके मुझे लगता है कि जेमिया रॉड्रिगेज के साथ एवलिन जोन्स ही ओपन करने आ सकती हैं। काफी कमाल के यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुका है। लिलैक हिल पार्क में यह खेला जाएगा इस मैच। भाई जेस डाफिन कैसे खिलाड़ी हैं आपको बता दें, जेस डाफिन के बारे में पिछली मैच में इनको मौका मिला था जेस डाफिन को, और जेस डाफिन जो है मैंकी ब्लोज, जी हाँ पिछली मैच में मैंकी ब्लोज को मौका मिला था, मगर मैंकी ब्लोज जो है ना बॉलिंग करवाया ना बैटिंग करवाया, समझ में नहीं आया कि किस लिए लिया गया था मैंकी ब्लोज को, तो आज ड्रॉप कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जो यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेंस है आज कैसी शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। काफी बेहतरीन मैच होने वाला है ये, आपको बता दें आज का मैच ओमेंस बिग बैश लीग का 21वां मैच है, जो कि मेलबोर्न रेनेगेड्स एंड सिडनी सिक्सर ओमेंस के बीच खेला जाएगा लिलेक पार्क, हिली पार्क पार्थ में। और इस ग्राउंड पे अब तक ओमेंस बिग बैश लीग का एक भी मैच खेला नहीं गया है, और ग्राउंड का खास कुछ रिकॉर्ड्स भी नहीं है, तो देखते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुका है, और यहाँ पर जबरदस्त मैच देखने के लिए मिलेगा, तो भाई यहाँ पर इस साथ जुड़ जाइए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेड टू हेड यहाँ पर पॉइंट टेबल में आपको बता दें कि पॉइंट टेबल में मेलबोर्न रेनेगेड्स जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, और सिडनी सिक्सर जो है यहाँ पर सातवें नंबर पे बना हुआ है। दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेलबोर्न रेनेगेड्स अगर इस मैच को जीत जाता है तो टॉप ऑफ द टेबल बन जाएगा, दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर के लिए ये मास्ट विन मैच है, अगर इस पॉइंट टेबल में अच्छी पॉइंट के साथ बने रहना पड़ेगा, 7 पॉइंट इनका भी हो जाएगा। सारे खिलाड़ी जो है, सारे जो टीम है एडिलेड स्ट्राइकर से लेकर सिडनी सिक्सर तक, सभी का 5 पॉइंट है, और सभी को जरूरत है तो 1-2 पॉइंट की। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर हेड टू हेड में यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर के बीच
बिग ओमेंस बिग बैश लीग में कुल 14 मैच खेले गए हैं और 14 मैचों में 5 बार जो है मेलबोर्न रेनेगेड्स ने जीत हासिल किया है और सिडनी सिक्सर ने 9 बार जीत हासिल किया है। बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ, भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखना होगा कि आज क्या होता है भाई। बात कर लेता हूं मैं यहां पर मेलबोर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 की, तो मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से जेमेआर रॉड्रिगेज, जेस डाफिन, कॉटनी वेब, हरमनप्रीत कौर, एवलिन जोन्स, सोफिया मॉलिनेक्स, जसफाइन लूली, कार्ली लेसन, एली फुल कॉर्नर, एली हेवर्ड, इला हेवर्ड और हॉली फार्लिंग, इन ये सारे जो खिलाड़ी हैं आज आपको मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए नजर आएगी। बात करते हैं पिछली मैच में ओपन किया था जेमेआर रॉड्रिगेज और डूली ने, तो शायद आज भी यहाँ पर ओपन कर सकती हैं और आज मौका मिला है। दो मैच नहीं खेले थे एवलिन जोन्स, मगर आज मैंकी ब्रोज को बैठा के एवलिन जोन्स को मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई एक जेमेआर रॉड्रिगेज के साथ ओपन कर सकती हैं। बात करते हैं सिडनी सिक्सर ओमेंस की प्लेइंग 11 की, तो एलिसा हिली, एलिसा पैरी, गार्डनर, तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच स्टार्ट होने के लिए और सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है, 5 से 10 मिनट का वक्त बाकी है भाई। काफी इंटरेस्टिंग निकोला बुल्टन की बात करें तो निकोला बुल्टन जो है काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, बैटिंग में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 23 का औसत से 2,892 रन बना चुकी है 96 का स्ट्राइक रेट से। बॉलिंग में भी काफ़ी 162 इनिंग्स में 58 विकेट ले चुकी हैं, तो काफ़ी यहां पर आपको बता दें कि यहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकोला बोल्टन एक अच्छी ऑलराउंडर है, बाएं हाथ की ऑलराउंडर को टीम को हमेशा ज़रूरत होती है और ये बाएं हाथ से बैटिंग करती हैं और दाहिने हाथ से ऑफ ब्रेक डालती हैं। क्योंकि लगातार मैचेस में ये फेलियर होते रहे हैं, पिछला दो मैचेस में शेफाली वर्मा की बल्ले से कोई भी रन नहीं आया है। मिथिलेन ब्राउन की बात करें तो मिथिलेन ब्राउन ने काफी कमाल का परफॉर्म किया है, विकेट भले ही ना मिला हो कमाल की गेंदबाजी मिथिलेन ब्राउन की यहां पर देखने के लिए मिला है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए भाई, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा।
दोस्तों सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में अगर बात करें तो रिचेल हॉली प्रिस्ट है 166 रनों की स्कोर पे अब तक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे एलिसा विलानी 151 रन बना के खेल रही है अभी तक। तीसरे नंबर पे क्रिस हैरिस है। तो WBBL 2021 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की अगर बात करें तो हॉली प्रिस्ट है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। दूसरी तरफ बात करते हैं विकेट टेकिंग में, तो विकेट जो लिया है WBBL 2021 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है जैसी जनासन, जिन्होंने 9 विकेट निकाले हैं। सारा कोइटे जिन्होंने 8 विकेट निकाले हैं और किमी गार्ड तीसरे नंबर पे 8 विकेट के साथ। तो ये जो है यहाँ पर अब देखना होगा कोई भी खिलाड़ी जो है 1 से 3 नंबर के बीच रेनेगेट्स और सिडनी सिक्सर के नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, मैच स्टार्ट होने जा रहा है और प्लेयर्स मैदान में आते हुए, जी हाँ, यहाँ पर सिडनी सिक्सर के जो खिलाड़ी है यहाँ पर मैदान पे आते हुए, सिडनी सिक्सर के खिलाड़ी यहाँ पर मैदान पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिडनी सिक्सर की तरफ से बात करें तो एलिसा हीली अपने ग्लव्स पहनती हुई यहाँ पर मैदान की तरफ बढ़ती हुई, एलिसा पेरी, गार्डेनर, निकोला बोल्टन एंड यहाँ पर शेफाली वर्मा। जी हाँ, शेफाली वर्मा यहाँ पर मैदान पे उतरती हुई, सारे खिलाड़ी यहाँ पर मैदान पे आते हुए, भाई प्लेयर्स मैदान पे आते हुए। पहली गेंद और यहाँ पर डॉट बॉल। पहली गेंद यहाँ पर डॉट बॉल हुआ है। जी हाँ, पहली गेंद यहाँ पर डॉट बॉल हुआ है। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है लुरेन चिटली का बेहतरीन गेंदबाजी चलता हुआ। लुरेन चिटली इस बार बॉलिंग करता हुआ एवलिन जोन्स को, बाएं हाथ के खिलाड़ी है एवलिन जोन्स और सामना करेंगे यहां पर चिटली की गेंदबाजी का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बॉल को हल्का सा बॉल को खेल दिया है इस बार मिड ऑन के तरफ जहां पर सैफ अली वर्मा ने बॉल को रोका है। कोई रन नहीं मिलेगा। मोहम्मद बजीद जी कह रहे हैं कि कितना रन हो सकता है। गुड मॉर्निंग यशराज जी, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद मजीद जी कह रहे हैं कि कितने रन बन सकता है। भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टार्ट यहाँ पर मिला है मेलबॉर्न रेनेगेड्स का, यहाँ पर एक भी रन नहीं आए हैं 5 गेंदों के बाद और मैदान भी पूरा नया है। तो यहाँ पर रन जो है 120 है एवरेज स्कोर आप पकड़ सकते हैं 120 से 130 रनों के बीच। आखिरी गेंद इस ओवर का, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है इस बार मिड ऑफ में फील्डर ने बॉल को रोका है। कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहली ओवर के बाद स्कोर जो है यहां पर खाता नहीं खोला है, मेलबॉर्न रेनेगेड्स का खाता नहीं खोला है पहली ओवर के बाद। ओपनिंग साझेदारी रॉड्रिगेज एंड एवलिन जोन्स आज यहां पर मेडन ओवर होता हुआ। पहली ओवर जो है यहां पर लुरेन चिटली ने मेडन ओवर डाला है और जिस अंदाज से इस मैदान पे अभी तक बिग बैश लीग का क्या किसी भी यहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला गया है। एक्चुअली ये यहां पर ये जो ग्राउंड है ये गोल्फ ग्राउंड है, उनको जो ठीक ठाक करके रग्बी ग्राउंड है और रग्बी ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील किया गया है। तो नए गेंदबाज यहां पर मैदान पे आती हुई, अब देखना होगा कि नए गेंदबाज कौन है। लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब सपोर्ट रॉड्रिगेज है स्ट्राइक पे।
राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप पे पिच हुई, बॉल को खेल दिया इस बार फाइन लेग की तरफ, दो रन तो आराम से। जी हाँ, यहाँ पर दो रन नहीं, सिंगल मिला है, दो रन की मांग खाता खोला है मेलबॉर्न रेनेगेड्स का। इसी एक रन के साथ रॉड्रिगेज ने अपना खाता खोला है और मेलबॉर्न रेनेगेड्स का भी खाता खुला है एक रनों से। इस बार इवलिन जोन्स जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंदबाजी का। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, मुझे लगा कि ये मिकलेन ब्राउन शायद बॉलिंग डाल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार राउंड द विकेट बॉल किया था, बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर इस बार फील्डर जो है पांच फील्डर ऑफ साइड में लगाए गए हैं इवलिन जोन्स के लिए, बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए यहां पर ऑफ साइड में पांच फील्डर लगाए गए हैं, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर एंड मिड ऑफ। तो काफी जो है एलिसा पैरी खुद आई है बॉलिंग डालने के लिए, आपको बता दें एलिसा पैरी खुद आई है बॉलिंग डालने के लिए। एलिसा पैरी फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद, इवलिन जोन्स को, इवलिन जोन्स और इस बार हवा में खेलने की कोशिश, स्लोअर बॉल थोड़ा सा नीचा रहा, सीधा विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करेगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके हिसाब से यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है यहाँ पर धीमी शुरुआत हुआ है, एक ओवर तीन गेंद हो चुके हैं और सिर्फ एक रन बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज मेलबॉर्न रेनेगेड्स कितने रन बनाएगा? ऐसे तो मुझे लगता है कि 120 से 130 रनों के बीच मेलबॉर्न रेनेगेड्स के बनेंगे। एलिसा पैरी फिर से बॉलिंग करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप पे रूम मिला था, कट कर दिया है बॉल को, मगर बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर पॉइंट में, ड्राइव लगा के बॉल को रोक दिया गया है, कोई रन नहीं मिलेगा, बेहतरीन जबरदस्त फील्डिंग यहां पर सिडनी सिक्सर के फील्डर। तो एलिसा पैरी जो है पिछली मैच में विनोने बॉलिंग नहीं डाला था, तो आज देखना होगा कि बॉलिंग करते हुए कोई फायदा होता है कि नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के बगल से, और ये पहला चौका, इस मैच का पहला चौका लगता हुआ, इस मैच का पहला चौका लगता हुआ भाई। इस मैच का जो पहला चौका है ये लग चुका है इवलिन जोन्स की बल्ले से। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म इस बार भी ऑफ स्टंप पे, बॉल हवा में और यहां पर विकेट। जी हां, यहां पर विकेट, इवलिन जोन्स बैट का एज लिया और यहां पर कैच आउट होता हुआ भाई। जी हां, बॉल हवा में जरूर था, बैट का एज लिया था। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, आउट होने वाला खिलाड़ी है इवलिन जोन्स जिनका विकेट लिया है एलिसा पैरी ने, और कैच लिया है भाई यहां पर गार्डनर ने, कैच लिया है, चार रन बना के यहां पर आउट होता हुआ। पांच रनों पे पहला विकेट गिर चुका है मेलबॉर्न रेनेगेड्स का। रॉड्रिगेज मैदान पे अभी भी बने हुए हैं, साथ में यहां पर देखना होगा कि उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए कौन आते हैं। मुझे लगता है यहां पर रॉड्रिगेज के साथ ओप यहां पर खेलने आई है कॉर्टनी वेब। जी हां, कॉर्टनी वेब आई है बैट यहां पर बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। जी हां, एलिसा पैरी फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए इस बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ रॉड्रिगेज को, ओ बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, पैड पे लगा मगर यहां पर कोई रन नहीं, लेग बाई का इशारा। ओवर की समाप्ति दो ओवर के बाद, यहां पर दो ओवर के बाद यहां पर जो है पांच ही रन बने हैं विदाउट एक विकेट के नुकसान पे, एकमात्र विकेट जो कि यहां पर आउट हुआ है
एवलिन जोन्स, आज उनका बल्ले से सिर्फ एक चौका आया। जबरदस्त स्टार्टिंग नहीं मिला है मेलबोर्न रेनेगर्स को। शुरुआती झटका यहां पर दे दिया है एलिसा पेरी ने, फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद और लेफ्ट आर्म ओवर द राउंड विकेट बॉल करता हुआ रॉड्रिगेज को खेल दिया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई दो ओवर एक गेंद हो चुके हैं, दो ओवर एक गेंद के बाद यहां पर छह रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुका है। अब देखना होगा कि रॉड्रिगेज किया यहां पर जो शुरुआती झटका लगा है उनसे जो है मेलबोर्न रेनेगर्स को वो निकाल पाता है कि नहीं। फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ रॉड्रिगेज को। रॉड्रिगेज ने इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्का सा खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, एक रन मिल जाएगा और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है दो ओवर दो गेंदों के बाद स्कोर जो है सात रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। दो ओवर दो गेंद हो चुके हैं, दो ओवर दो गेंदों के बाद स्कोर जो है सात रन बन चुके हैं। तो थोड़ा सा भाई यहाँ पर वेट कीजिए क्योंकि जो है यहाँ पर चौका लग चुका है। इस ओवर की चौथी गेंद पे चौका लगा दिया है कॉर्टनी वेब ने, लेग साइड में पिछली गेंद थी और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 11 रनों तक पहुंच चुका है दो ओवर चार गेंदों के बाद। बेहतरीन चौका, जी हाँ बेहतरीन चौका होता हुआ इस गेंद पे। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे कॉर्टनी वेब। भाई कमाल का यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है कॉर्टनी वेब एंड रॉड्रिगेज, ये दोनों के बीच एक साझेदारी बननी चाहिए अगर मैच में मेलबोर्न रेनेगेड्स को एक अच्छा खासा स्कोर। काफी बेहतरीन मैच आज देखने के लिए मिल जाएगा। दो या पर तीन ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तीन ओवर के बाद स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11 रनों तक पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान पे। देखना होगा कि अगला जो गेंदबाज है वो एलिसा पेरी आएंगे क्या गेंदबाजी करने के लिए। रॉड्रिगेज है स्ट्राइक पे और देखना होगा कि कौन आए हैं नए गेंदबाज। एलिसा पेरी क्या अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करेंगे, क्या नए बॉलर के दाद अब जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर निकोला बोल्टन या राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ रॉड्रिगेज को इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्के बल्ले से खेल दिया है बॉल को मिड ऑन के पास, सिंगल मिल जाएगा रॉड्रिगेज को और इसी के साथ स्कोर भी 12 रनों तक पहुंच चुका है तीन ओवर एक गेंदों के बाद। मिथलेन ब्राउन आई है बॉलिंग डालने के लिए, जी हाँ मिथलेन ब्राउन आई है बॉलिंग डालने के लिए और इस बार सामना करेंगे कॉर्टनी वेब इस ओवर की अगली गेंद का। कॉर्टनी वेब आते ही चौके से शुरुआत किया है तो यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स की धीमी शुरुआत के बाद छः ओवर में मुझे लगता है कि कम से कम भाई का 30 से 35 रन तो आना चाहिए। मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से यहाँ पर कॉर्टनी वेब को बॉलिंग करता हुआ पटकी हुई गेंद थी, हल्के बल्ले से इसको फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया है स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार भी। लगातार दोनों ही बल्लेबाज जो है देख रहे हैं कि बड़ी शॉट नहीं लग रहा है, रूम नहीं मिल रहा है बड़ा शॉट खेलने का, तो सिंगल को लेके स्ट्राइक को रोटेट करते हुए ये एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ मेलबोर्न रेनेगेड्स। क्या आज रॉड्रिगेज के बल्ले से 50 रन देखने के लिए मिलेगा, दो रनों की स्कोर पे खेल रही है और अच्छी खेल रही है और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रॉड्रिगेज सामना करेंगे मिथलेन ब्राउन की गेंदबाजी का, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, बॉल को हल्के बल्ले से खेल दिया है यहां पर कवर की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई काफी कमाल का यहां पर मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, मेलबोर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर के बीच। एक तो आंकड़े देखे जाए
हेड टू हेड देखा जाए तो सिडनी सिक्सर स्ट्रांग है, और पिछला मैच जिस तरीके से मेलबोर्न रेनेगेड्स ने डोमिनेट किया था सिडनी सिक्सर को, उसको देख के लगता है कि आज जो है मैच कांटे का टक्कर होने वाला है। और इस बीच अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला था बॉलर के हाथ में, मगर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तीन ओवर पांच गेंदे हो चुके हैं, तीन ओवर पांच गेंदों के बाद स्कोर जो है यहाँ पर 13 रन बने हैं सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे। शुरुआत बहुत धीमा होता हुआ, दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहाँ पर, सलामी बल्लेबाज नहीं यहाँ पर रॉड्रिगेज सलामी बल्लेबाज मौजूद है, एवलिन जोन्स आउट हो चुकी जगह। चार ओवर खत्म हो चुके हैं, चार ओवर के बाद स्कोर जो है मेलबोर्न रेनेगेड्स का 17 रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुका है। ताहिर बसा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई ताहिर जी जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिथलेन ब्राउन की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद पे जिस तरीके से रॉड्रिगेज ने विकेट छोड़ के रूम बना के इस शॉट को खेला था, काफी अच्छा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि और दो ओवर बाकी है पावर प्ले के। तो हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस बार कॉर्टनी वेव है स्ट्राइक पे और बॉलिंग करने आए हैं फिर से, फास्ट बॉलर को दिया गया है तो देखना होगा कि कौन आई है बॉलिंग डालने के लिए, मिथलेन ब्राउन को रिप्लेस करके कौन आई है भाई बॉलिंग डालने के लिए सिडनी सिक्सर की तरफ से। मुझे लगता है कि स्टेला कैम्बल आ सकती है बॉलिंग डालने के लिए। पहली गेंद और यहाँ पर सामना करेंगी कॉटी वेव, बॉलर को स्टॉप जरूर करवा दिया गया था, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ। इस बार लेग स्टंप पे पिछली गेंद थी, बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, पहली गेंद पे ही चौका, जी हाँ पहली गेंद पे ही यहाँ पर चौका लगा दिया है कॉटी वेव ने, और इसी चौके के साथ स्कोर भी बढ़ चुका है 21 रनों तक। चार ओवर एक गेंदों के बाद 21 रन बन चुका है भाई। आज की मेरी टीम सिक्सर सर विन होगी, जी हाँ चलिए देखते हैं, बने रहिए। पहली गेंद पे ही चौका लग दिया है, पांचवी ओवर की पहली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ कॉटी वेव को, देखना होगा भाई। इस बार बॉल फ्लिक करने की कोशिश, बैट का एज लिया और सेफ, अली वर्मा नीचे है और यहां पर विकेट, जी हाँ यहाँ पर विकेट, और इसी विकेट की जरूरत थी सिडनी सिक्सर को, कॉर्टनी वेब जैसी बड़ी बैट्समैन यहाँ पर आउट होता हुआ, कॉर्टनी वेब जैसी बड़ी बैट्समैन यहाँ पर आउट होता हुआ, जी हाँ यहाँ पर आउट हो चुका है कॉर्टनी वेब। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, स्टेला कैम्बल की ये दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद बल्ला आगे लेके चला गया था, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल डाला था और यहाँ पर सेफ अली वर्मा ने कोई गलती नहीं की कवर की दिशा में कैच लेने में। तो भाई यहाँ पर विकेट चला गया है दो मेलबोर्न रेनेगेड्स का, 21 पे दो हो चुका है, जी हाँ भाई यहाँ पर आते ही आपके आते ही विकेट चला गया है, बिग विकेट कॉटनी वेव ये। और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर और लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चलता हुआ स्टेला कैम्बल का। स्टेला कैम्बल की बात करते हैं तो जबरदस्त बॉलर है, फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार, देखना होगा कि कौन आई है नए बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर, जी हाँ दोनों ही इंडियन बैट्समैन जो है मैदान पे है, दोनों ही इंडियन बैट्समैन मैदान पे है हरमनप्रीत कौर एंड जेमया रॉड्रिगेज। मैच बहुत देखना अच्छा रहेगा कि यहाँ से दोनों इंडियन क्रिकेटर क्या करते हैं। इस बार लेग स्टंप पे बॉल पिच हुई थी, बॉल को खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ, जेमया रॉड्रिगेज है स्ट्राइक पे। तो भाई क्या लगता है आपको आज यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स कितने रन बना पाएगा? ऐसे तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 120 से 130 रन जरूर बन जाएंगे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और सभी को बोलूंगा भाई और 5 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 20 लाइक पूरा कर दे। इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे जेमया रॉड्रिगेज, काफी बेहतरीन मैच होता हुआ
आठ ओवर यहां पर स्टेला कैंबेल राइट अप ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ पटकी हुई गेंद थी शॉर्ट ऑफ बॉल डालने की कोशिश किया था दिशा से भटके लेग स्टंप पे पिच हुई और बॉल को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल मिल जाएगा इस बार भी इस बार भी सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ चार ओवर पांच गेंदों के बाद 22 रन दो विकेट के नुकसान पे शुरुआत बहुत ही अच्छा किया है सिडनी सिक्सर ने पावर प्ले के अंदर यहां पर दो विकेट निकाल लिया है मेलबॉर्न रेनेगेड्स का तो इस जो दबाव है इस दबाव से उभरने की कोशिश जरूर करेगी मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन आपको क्या लगता है भाई जल्दी से जल्दी कॉमेंट कीजिए और चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टेला कैंबेल फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार नाइन हाथ के बॉलर है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग डालता है लेग स्टंप से बाहर बॉल वाइड बॉल फिर से एक बार दिशा से भटकी स्टेला कैंबेल और इस बार वाइड बॉल अंपायर ने दिया है और इसी वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में जुड़ेगा मेलबॉर्न स्टार मेलबॉर्न रेनेगेड्स का आज मेलबॉर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर के बीच 21वां मैच है वोमेंस बिग बैश लीग का जहां पर सिडनी सिक्सर ओमेन ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है तो अच्छी शुरुआत और इस बार भी दिशा से भटके थे फुल टॉस डाल दिया था लेग स्टंप से बाहर चार रन मिल जाएगा नो बॉल बेहतरीन छक्का इसी छक्के के साथ स्कोर जो है यहां पर 28 रन बन चुके हैं तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 34 रन बन चुके हैं 34 पांच ओवर के बाद 34 रन बन चुके हैं तो भाई हमारे साथ बने रहिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पांच ओवर खत्म हो चुके हैं मेलबॉर्न रेनेगेड्स का पांच ओवर में 34 रन बन चुके हैं एलिसा पैडी आई है बॉलिंग डालने के लिए एलिसा पैडी आई है बॉलिंग डालने के लिए पहली गेंद और यहां पर दो रन लेते हुए रॉड्रिगेज और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 36 रन बन चुका है एलिसा पैडी फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद राइट अप ओवर द विकेट यहां पर चमे रॉड्रिगेज इस बार फुल लेंथ बॉल था बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में मगर पांच पांच फील्डर लगाए गए हैं ऑफ साइड में रॉड्रिगेज के लिए तो गैप निकालना मुश्किल तो लगातार गैप ढूंढते हुए रॉड्रिगेज ऑफ स्टैंप पे अगर यहां पर एलिसा पैडी जिस तरीके से फील्डिंग सजाई है उसी हिसाब से बॉलिंग करता हुआ लगातार ऑफ स्टैंप पे बॉल डाल रही है फिर से एक बार रॉड्रिगेज सामना करेंगे एलिसा पैरी की गेंदबाजी का राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टैंप पे ऊपर से खेल दिया है बॉल को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चार रनों के लिए यहां पर कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं रॉड्रिगेज और इसी चौके के साथ स्कोर भी हो चुका है 40 रन दो विकेट के नुकसान पे रॉड्रिगेज लगातार बेहतरीन यहां पर खेल खेलता हुआ तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रॉड्रिगेज फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद का एलिसा पैरी बॉलिंग करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ रॉड्रिगेज को इस बार फिर से एक बार पटका शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाला था बॉल को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल मिल जाएगा इस बार और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी हो चुका है पांच ओवर चार गेंदों के बाद 41 रन दो विकेट के नुकसान पे इस बार हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो ये भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर है इंडिया T20 क्रिकेट का भी कप्तान है ये दोनों इंडियन क्रिकेटर यहां पर मैदान पे बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेलबॉर्न रेनेगेड्स को इस जो दबाव आया है दो विकेट गिर जाने के बाद उस दबाव से निकालने के लिए एलिसा पैरी फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ हरमनप्रीत कौर दाहिने हाथ की बॉलर और इस बार हल्का सा बैट का किनारा लिया बॉल चला गया है थर्ड मैन की तरफ चार रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर कह सकते हैं आपका हरमनप्रीत कौर का हरमनप्रीत कौर ने बॉल के लिए वेट किया आखिरी मोमेंट पे बैट का एज लिया और बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ बहुत ही उमदा शॉट यहां पर हरमनप्रीत कौर का और इसी चौके की जरूरत भी है तो काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर
बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पावर प्ले का ये आखिरी गेंद है और सामना करेंगे फिर से एक बार हरमनप्रीत कौर जो कि 14 रनों की स्कोर पे खेल रही है। इस बार लेंथ बॉल अच्छी लेंथ पे डाला था, पैर की तरफ किया था, बॉल को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। 6 ओवर कंप्लीट, मतलब पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है, पावर प्ले खत्म हो चुका है और मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन ने यहाँ पर 45 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो शुरुआत खराब हुआ था, 2-2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे मेलबॉर्न रेनेगेड्स का, मगर फिर भी इन्होंने 45 रन बना लिया है पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों इंडियन भारतीय खिलाड़ी मैदान पे बने हुए हैं, जेमेया रॉड्रिगेज एंड हरमनप्रीत कौर, और दोनों की लगातार कोशिश है कि यहाँ से मेलबॉर्न रेनेगेड्स को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया जाए। तो भाई हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, सभी को बोलूँगा भाई लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, किस जगह से जुड़े हैं। नए गेंदबाज यहाँ पर आ चुके हैं और बॉलिंग करेंगे, यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ जेमेया रॉड्रिगेज को, और यहाँ पर जेमेया रॉड्रिगेज ने थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। जी हाँ भाई, बहुत ही बेहतरीन स्कोर हो चुका है 6 ओवर में और ये गेंद पे भी एक रन आया है यहाँ पर रॉड्रिगेज के बल्ले से और इसी एक रनों के साथ 46 रन बन चुके हैं। हमारे साथ आप कहाँ से जुड़े हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एलिस्टर पेरी का ओवर खत्म हो चुका है और इस बार वाइड बॉल, जी हाँ काफ़ी बेहतरीन बड़ा वाइड और इसी वाइड के साथ स्कोर एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ेगा। कारण रन रेट की बात करें, अगर मौजूदा रन रेट की अगर बात करें तो 7.62 का मौजूदा रन रेट चल रहा है। इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को हल्का सा स्वीप कर दिया है, बॉल चला गया है यहाँ पर डीप फाइन लेग की तरफ। 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे इस बार हरमनप्रीत कौर को और इसी 2 रनों के साथ स्कोर भी पहुँच चुका है 49 रनों तक। निकोला बोल्टन जो कि काफ़ी खतरनाक यहाँ पर ऑलराउंडर है, बिहार से राहुल जैक जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। फिरोज आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैटिंग टीम विल विन जरूर भाई, यहाँ पर 140 के करीब अगर रन बना लेता है मेलबॉर्न रेनेगेड्स तो इनके पास वो गेंदबाज है जो इन रन को डिफेंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर देखना होगा कि 140 तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जिस अंदाज से यहाँ पर मैच चलता हुआ तो मुझे लगता है कि करम आराम से 120 से 130 रन बना लेगी। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी निकोला बोल्टन का, पूरी तरीके से बीट हो गए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर जो भाई जुड़े हुए हैं सबसे बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निकोला बोल्टन इस ओवर की 5वीं गेंद और सामना करेंगे इस बार हरमनप्रीत कौर, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, मिडिल स्टंप का बॉल, बॉल को खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। वैभव विद्या जी का जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैभव जी इस बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, फ्लाइटेड गेंद थी, विद द स्पिन बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ हरमनप्रीत कौर ने और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा, नहीं सिंगल नहीं ले पाए, अच्छी थ्रो सिंगल नहीं लिया है, डॉट बॉल होता हुआ। 7 ओवर के बाद 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। 7 ओवर में 50 रन मेलबॉर्न रेनेगेड्स का एक अच्छा स्कोर, 2 विकेट लगातार गिर जाने के बाद एक अच्छा स्कोर यहां पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स का। वेटिंग वेल टीम जीत की रहेगी, बैटिंग वाली टीम जीत के ही रहेगी, चलिए अच्छा। तो स्कोर यहां पर स्कोर बोर्ड पे मेलबॉर्न रेनेगेड्स का अभी तक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन, दोनों ही इंडियन रॉड्रिगेज इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर दोनों ही इंडियन टीम के लिए खेलती है और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अब मौजूद है मैदान पे और कोशिश है मेलबॉर्न रेनेगेड्स की स्कोर को आगे ले जाए। जी हाँ, यहाँ पर राहुल जैक जी कह रहे हैं बैटिंग टीम हारेगी, चलिए देखते हैं, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस बार अगली गेंद, इस बार बैट का किनारा लिया रॉड्रिगेज का, बॉल चला गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक रन जरूर मिलेगा और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी सोच के साथ खेलते हुए, बड़ा शॉट नहीं लग रहा है तो स्ट्राइक सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते हुए। जौनपुर से विजय चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जौनपुर से भाई, जौनपुर का आदमी
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय चौरसिया जी हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच विजय जी हमारे साथ। जौनपुर जैसी एक बहुत ही बढ़िया जगह है, मैंने गया है जौनपुर और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, रूम लगा बना के खेलने की कोशिश किया था, बॉडी से दूर और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और उसी का फायदा उठाया रॉड्रिगेज ने सिंगल लेके। और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 7 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर 52 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है तो आपसे एक बेहतरीन मैच देखने का। और साउथ अफ्रीका से मनीज बागी जी हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं और साउथ अफ्रीका के जुड़ने का फायदा ही भी मिल चुका है यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स का। बड़ी शॉट फाइन लेग की तरफ, 2 रन मिलता हुआ रॉड्रिगेज को और इसी 2 रन के साथ स्कोर जो है यहाँ पर बन चुका है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर 3 गेंदों के बाद। तो भाई और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे भाई मनाज बागी जी हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच मनाज जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। विकेट ले लो विकेट ताहिर बसा जी। यहाँ पर जिस तरीके से दोनों ही इंडियन क्रिकेटर यहाँ पर मैदान पे बने हुए हैं, दोनों ही इंडियन बल्लेबाज मैदान पे बने हुए हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार फुल टॉस बॉल डाला था, यॉर्कर डालने की कोशिश, थोड़ा सा फ्रंट फुट में आके बॉल को खेल दिया है, सीधा मिड ऑफ के पास है, कोई रन नहीं मिलेगा। हरमनप्रीत कौर 20 रनों की 20 रन बना के खेल रही है और जहां पर रॉड्रिगेज 17 गेंदों पे 16 रनों की स्कोर के पे मैदान पे बनी हुई है। मिथिलेन ब्राउन अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे। नो महीना तो भाई बने रहिए। और मिथिलेन ब्राउन की गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया है बॉल को, 2 रन तो आराम से मिल जाएगा इस बार हरमनप्रीत कौर को। और इसी 2 रनों के साथ स्कोर भी यहाँ पर 56 रनों तक पहुँच चुका है। भाई यहाँ पर हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खेलते रहे दोनों को। जी हाँ इंदरसन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 155 रन अगर बन जाएंगे यहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगा सिडनी सिक्सर के लिए। ये नया ग्राउंड है, अब तक इन ग्राउंड का कोई भी रिकॉर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है। बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार बॉल को हल्के से खेल दिया था पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। हरमनप्रीत कौर बैटिंग कर रहा है 22 रनों के स्कोर पे और 8 ओवर के बाद मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन का 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मैनाज बागी जी कह रहा है कि 160 रन बन जाएंगे, तो देखते हैं भाई। यहाँ पर शुरुआती तो यहाँ पर धीमा हुआ था मगर उसके बाद जिस तरीके से जिस अंदाज से इन दोनों बल्लेबाजों ने इस पारी को संभाला है मेलबोर्न रेनेगेड्स का, उसको देख के तो लगता है कि कम से कम 140 से 150 रनों के बीच तो कुछ भी रन बन सकता है। महनाज बागी जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ और जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें। और इस बार आवाज दिया था, बहुत जोरदार अपील किया था मगर बॉल जो है विकेट कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और यहां पर 2 रन लेते हुए अब देखना होगा कि 2 रन मिले हैं और लेग बाय। जोरदार अपील हुआ था मगर कोई खतरा नहीं, 2 रन लेते हुए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 59 रन बन चुके हैं। राहुल जी 140 अबाउट हो बनेंगे, जी हाँ मुझे भी लगता है कि 140 से 150 दोनों के बीच कुछ भी रन बन सकता है। निकोला बोल्टन फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर ने इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, लेग ब्रेक डालते हैं और लगातार लेग साइड में बॉलिंग करते हुए हरमनप्रीत कौर को। तो यहाँ पर 8 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर जो है 59 रन बन चुका है। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 3री गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद दिया था, ऑफ स्टंप पे बॉल था, बॉल को खेल दिया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 60 रनों तक पहुंच चुका है 8 ओवर 3 गेंदों के बाद। बैटिंग पिच है क्या सर प्लीज़ बताओ ना भाई। इस पिच ग्राउंड का कोई रिकॉर्ड आपको कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक इस ग्राउंड में WBBL का ये पहला मैच है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी ये यहाँ पर नहीं खेला गया था।
कोई भी क्रिकेट मैच अभी तक इस ग्राउंड पे नहीं खेला गया है, ये पहला मैच इस ग्राउंड पे खेला जा रहा है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं बनेंगे 140 भाई ताहिर बसा जी 140 तो बनना चाहिए। इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को हार्ड हिट कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, दो रन की मांग है मगर यहाँ पर सिंगल अच्छी थ्रो, एक ही रन मिल जाएगा हरमनप्रीत कौर को और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 62 रनों तक पहुंच चुका है। हेलो सर, शिवम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच शिवम यादव जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर से एक बार निकोला बोल्टन इस ओवर की आखिरी गेंद, ओके सत्य राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ बॉल को हवा से में खेलने की कोशिश, बॉल चला गया डीप फाइन लेग की तरफ, कोई फील्डर अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है मगर यह बॉल ही खुद रुक गया है। दो रन मिल जाएगा इस बार हर रॉड्रिगेज को, 9 ओवर के बाद 3 रन ले चुका है भाई, 3 रन कंप्लीट करते हुए यहाँ पर रॉड्रिगेज और इसे 3 रनों के साथ स्कोर भी 65 रनों तक पहुंच चुका है 9 ओवर के बाद। शिवम यादव जी मैंने आपका वेलकम कर दिया है भाई, हेलो जी, तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच यहाँ पर होता हुआ, तो देखते हैं और आज का यहाँ पर विकेट ले लो कमॉन सिक्सर भाई, सिक्सर जौनपुर से विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखते लिखते आप हिंदी में भी आ चुके हैं तो अब थोड़ा सा बंगला में भी लिख दीजिए तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा। तो चलिए बने रहिए, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जेमेर रॉड्रिगेज है स्ट्राइक पे और देखना होगा कि कौन आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टेटस जी भाई, हेलो जी, हेलो जी, गुड मॉर्निंग स्टेटस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वैभव जी व्हाट आर योर प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन है 140 से 150 के बीच कुछ भी बन सकता है और इस बार थोड़ा सा बॉल के लिए वेट किया, बॉल को खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा जेमेर रॉड्रिगेज को और इसी एक रन के साथ 9 ओवर एक गेंदों के बाद 66 दो विकेट के नुकसान पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हेड टू हेड देखा जाए तो सिडनी सिक्सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है और पिछला मैच को अगर देखा जाए सिडनी सिक्सर और मेलबॉर्न रेनेगेड्स के बीच तो उसको देख के मुझे लगता है कि यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है काफ़ी बेहतरीन टीम हो सकती है। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कमाल की यहाँ पर खेल मैच चल रहा है, राधा यादव इंडियन क्रिकेटर बॉलिंग डाल रही है और यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर और रॉड्रिगेज, तीनों फील्डर जो है यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करती है और इंडिया की ही यहाँ पर बोलबाला चल रहा है। तो भाई ये लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा यादव फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार और सामने है रॉड्रिगेज, मिड ऑफ का फील्डर को यहाँ पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजते हुए राधा यादव, रॉड्रिगेज अब थोड़ा सा जो है यहाँ पर गियर बदलने की जरूरत है दोनों ही खिलाड़ियों को। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के पास, कोई रन नहीं, थोड़ा सा स्टेप आउट करता हुआ यहाँ पर अनुराग पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह भाई जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए। और इस बार नेक्स्ट स्टेप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या लगता है भाई आप लोगों को कि यहाँ पर राधा यादव जैसे बॉलर यहाँ पर मैदान पे बनी हुई है और सामने है रॉड्रिगेज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट में जाके इसको खेल दिया है कवर की तरफ जहाँ पर शेफाली वर्मा, देखिए चार चार फील्डर बॉलिंग डाल रहे हैं इंडियन खिलाड़ी, राधा यादव फील्डिंग किया है यहाँ पर जबरदस्त फील्डिंग शेफाली वर्मा ने और शॉट लगाया था यहाँ पर रॉड्रिगेज ने। तो ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद 68 रन दो विकेट के नुकसान पे बना है।
भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें। गुड मॉर्निंग भाई अनुराग पॉल जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है हमारी चैनल स्पोर्ट्स न्यूज 24 चैनल पे। 10 ओवर के बाद 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे मेलबोर्न रेनेगेड्स ओमेन का। तो यहाँ पर अगले 10 ओवर में कितने रन आएंगे, 130 यहाँ पर 140 के करीब तो रन बन जाना चाहिए यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड्स का। विनिंग प्रेडिक्शन, मेरा विनिंग प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि सिडनी सिक्सर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर रन अगर 130 से 40 के ऊपर रन बन जाएंगे तो दिक्कत होगा। अगर 130 से 40 के अंदर रन बनते हैं, 140 के ऊपर अगर रन बन जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है सिडनी सिक्सर को। अगर 130 से 40 के अंदर रन रहते हैं, 130 प्लस भी रन बनते हैं तो यहाँ पर सिडनी सिक्सर के थोड़ा बहुत चांसेस है, क्योंकि पिछला हम लोगों ने देखा कि अब तक जो मैच हुआ है 10 ओवर को अगर एनालाइज किया जाए, इस 10 ओवर तक मैच को अगर एनालाइज किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले 2 विकेट गिर जाने के बाद जो बल्लेबाजी करने आई है उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैच को आगे ले जाने के लिए। जो रॉड्रिगेज अनुराग पॉल जी, यहाँ पर आर के रितेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच दोबारा स्टार्ट हो चुका है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच दोबारा स्टार्ट हो चुका है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी भाई लाइक करके जल्दी से जल्दी हमें 40 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। 140 के नीचे अगर रन बनते हैं तो यहां पर सिडनी सिक्सर का चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जितने का। फिर से एक बार बॉलिंग करने आई है, मुझे लगता है फिर से एक बार बॉलिंग करने आई है यहाँ पर चिटली अपना तीसरा ओवर कंप्लीट करता हुआ, लेफ्ट आर्म ओवर राउंड द विकेट बॉल करता हुआ रॉड्रिगेज को हाँ में खेल दिया है बॉल को, इस बार बिड ऑन के ऊपर से बॉल निकल गया है, 2 रन तो आराम से मिल जाएगा रॉड्रिगेज को। चांस बना था, हाफ चांस बना था, हाथ में भी लगा था यहाँ पर बिड ऑन का फील्डर को, मगर कैच नहीं ले पाए, हाँ में बॉल बहुत देर तक था। जिमेयर रॉड्रिगेज पहुंच चुकी है इसी 2 रनों के साथ 24 रनों के स्कोर पे, और स्कोर हो चुका है 70 रन। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बन चुके हैं बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई यहाँ पर फिर से एक बार चिडली लुरेन चिडली बॉलिंग करता हुआ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में जहां पर शेफाली वर्मा ने बॉल को रोका है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए लुरेन चिटली जिन्होंने अभी तक 2 गेंद किए हैं, सिर्फ 7 रन दिए हैं, सफलता अगर नहीं भी मिला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंक्स के बाद मैच चेंज होगा, चलिए देखते हैं। चिटली फिर से बार बॉलिंग करता हुआ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार स्लोअर बॉल था, पुल कर दिया है बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन, और इसी 1 रन। भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, और लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। क्या लगता है अब यहाँ से मेलबोर्न रेनेगेड्स कितने रन बना पाएगा, यहाँ से अगर 150 रन नहीं बना पाते हैं मेलबोर्न रेनेगेड्स तो इनकी जो है कमजोरी नज़र आ जाएगी। हरमनप्रीत कौर 26 रनों के स्कोर पे और रॉड्रिगेज भी 26 रनों के स्कोर पे, हरमनप्रीत कौर सामना करेंगे राउंड द विकेट बॉल करता हुआ चिटली, और इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, हल्के से बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार भी, दोनों ही बल्लेबाज कोई जोखिम ना लेते हुए स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए, क्योंकि जानते हैं आखिर तक अगर मैदान पे बने रहेंगे तब भी यहाँ पर 140 के जैसी रन यहाँ पर बन जाएंगे। दोनों ही इंडियन भारतीय खिलाड़ी मैदान पे बने हुए हैं, और रॉड्रिगेज है इस बार स्ट्राइक पे सामना करेंगे लुरेन चिटली की गेंदबाजी का, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार फुला लेंथ बॉल था, बॉल को खेल दिया है हाँ में, और यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट रॉड्रिगेज आउट होता हुआ। रॉड्रिगेज हल्के बॉल को उठा के खेलने की कोशिश किया था मिड ऑफ के ऊपर से निकालने की कोशिश, मगर इस बार कामयाबी नहीं मिली है, और 30 गज के दायरे के अंदर कैच ले लिया गया है, और इसी के साथ तीसरा विकेट गिरता हुआ 72-3 हो चुके हैं भाई। और कैच लेने वाला खिलाड़ी यहां पर देखना होगा कौन, लुरेन चिटली ने अपना पहला विकेट निकाल लिया है
मेलबॉर्न रेनेगेड्स 72-3 हो चुका है। स्टेला कैंबेल ने कैच लिया है भाई, स्टेला कैंबेल ने कैच लिया है, ये कैच जो है स्टेला कैंबेल लिया है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए आप सभी दोस्तों को, और इसी तरह भाई लाइक करते जाइए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर आखिरी गेंद है इस ओवर की और सामना करेंगे यहाँ पर, देखना होगा कि नए यहाँ पर बल्लेबाज कौन आते हैं। हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे लेफ्ट आर्म और यहाँ पर हल्के से बॉल को खेल दिया, बैट का किनारा लिया, बॉल चला गया शॉर्ट फाइनल की तरफ, सिंगल मिल जाएगा। जिस डाफिन आए हैं यहाँ पर बैटिंग करने के लिए 11 ओवर के बाद यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स का स्कोर 73-3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बता दें 11 ओवर खत्म हो चुके हैं, 11 ओवर के बाद मेलबॉर्न रेनेगेड्स का स्कोर 73-3 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज यहाँ पर आई है जेस डाफिन, देखना होगा क्या डाफिन यहाँ पर एक अच्छी से यहाँ पर बैटिंग करते हुए स्कोर को कम से कम 140-150 रनों तक ले जा पाते हैं कि नहीं। अगले 9 ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे, देखना होगा कि कौन आई है बॉलिंग डालने के लिए। निकोला बोल्टन लेफ्ट आर्म ओवर, राधा यादव आई है बॉलिंग डालने के लिए, राधा यादव की गेंद और स्वीप कर दिया इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन लेता हुआ हरमनप्रीत कौर और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 74 रन बन चुके हैं। राधा यादव आई हैं बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे यहाँ पर जेस डाफिन। जेस डाफिन की बात करें तो जेस डाफिन अभी तक सिडनी थंडर्स के खिलाफ 11 रनों का इनिंग्स खेला है। इनकी बल्ले से जो है वो 20-25 रनों से ज़्यादा अभी तक लास्ट 5 मैचों में नहीं आई है। तो देखना होगा कि यहाँ पर राधा यादव की कैसी सामना करेंगे। और इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था, सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। दाहिने हाथ के खिलाड़ी है जेस डाफिन और बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को डिफेंड किया है। देखा कि राधा यादव जिस लेंथ पे बॉलिंग डाल रहे हैं वहां पर खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जेस डाफिन को, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे नहीं स्टेप आउट करके खेल रही है जेस डाफिन। फिर से बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, गुगली बॉल यहाँ पर बैकफुट पे जाकर मजबूर किया यहाँ पर जेस डाफिन को, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर राधा यादव का, ये इनका दूसरा ओवर है। फिर से बार बॉलिंग करता हुआ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दिया था बॉल को, बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार और इसी सिंगल से अपना खाता भी खोला है जेस डाफिन ने। 11 ओवर 5 गेंदों के बाद इसको जो है 75-3 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट अभी जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा यादव फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार जस्ट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने इस बार स्वीप कर दिया है बॉल को, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, दो रन आराम से मिलेगा इस बार भी और इसी दो रनों के साथ हरमनप्रीत कौर पहुंच चुके हैं 30 रनों की स्कोर पे और 12 ओवर के बाद 76 रन बन चुके हैं। 3 विकेट ये जरूर गया है, तो थोड़ा सा 2-3 ओवर हमें थोड़ा सा जो है लूज मैच देखने के लिए मिलेगा और इसी दो रनों के साथ 77 रन बने हैं यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ, काफी कमाल का मैच होता हुआ, अभी भी 8 ओवर बाकी है और 8 ओवर में कम से कम यहाँ पर 60-70 रन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखना होगा कि यहाँ पर मुझे लगता है स्टेला कैंबेल आई है बॉलिंग डालने के लिए, सामना करेंगे जेस डाफिन। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, लास्ट विकेट जो आउट हुए हैं वो है आउट हुए हैं रॉड्रिगेज, जिन्होंने रॉड्रिगेज ने 27 गेंदों पे 25 रन बनाए थे। यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ लेफ्ट आर्म ओवर, ओहो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, सोअर यहाँ पर बाउंसर देने की कोशिश, हल्के बैटों से खेलने का कोशिश किया था, पूरी तरीके से बीट हो गए
यहाँ पर जेस डाफिन बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉल करता हुआ जेस डाफिन को। इन दोनों के बीच अभी 5 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है और इस बार थोड़ी सी बॉल के लिए वेट किया और स्लोअर बॉल था, बॉल को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा। ये लुरेंज चेटली का यह आखिरी ओवर है, कप्तान कोशिश कर रहे हैं लगातार यहाँ पर एक और विकेट निकालने का। पहली साहब पहली कप्तान जो है यहाँ पर सिडनी सिक्सर के कप्तान है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक विकेट निकालने का, क्योंकि जानते हैं अभी यहाँ पर से भी स्कोर काफ़ी बड़ा बन सकता है। चिटली इस बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ, इस बार हरमनप्रीत कौर ने बॉल को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, 2 रन जी नहीं, यहाँ पर सिंगल मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बेहतरीन खेल खेलता हुआ सिंगल को रोटेट कर रहे हैं, सिंगल रोटेट सिंगल लेके यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जो जरूरत है अभी। विकेट गिर जाने के बाद रन की गति थोड़ा सा कम जरूर हुई है, मगर 12 ओवर 3 गेंदों के बाद 79 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ चेटली, इस ओवर की चौथी गेंद सामना करेंगे जेस डाफिन, और जेस डाफिन के बल्ले से 3-4 रनों के बीच और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्लोअर बॉल था, लगातार स्लोअर बॉल, या इस बार गुड लेंथ की बॉल थी, अंदर की तरफ आई थी और बॉल को हल्की बैटों से खेल दिया है, सिंगल जरूर मिला है। और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, यही जरूरत है अभी। अब देखना होगा, दबाव तो थोड़ा सा बना है जरूर, और इस दबाव को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर अब हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे और सामना करेंगे चेटली की गेंदबाजी का, लुरेंज चेटली बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद और सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर। 35 रनों की स्कोर पे खेल रही है हरमनप्रीत कौर, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है चेटली की, और अभी तक इन्होंने 3 ओवर 5 गेंदें किए हैं, 13 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाले हैं। चेटली की बात करते हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते आई हुई है और 5 मैचों में ये इनका पहला विकेट है, 5 मैचों में अब तक इन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला था। मेलबोर्न रेनेगेड्स के खिलाफ ये इनका पहला विकेट था। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करती हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग डालती है। आखिरी बॉल इस ओवर की और इस बार राउंड विकेट बॉल करता हुआ, ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बॉल को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। आखिरी बॉल में यहाँ पर चौका लगा दिया है और इसी चौके के साथ स्कोर भी हो चुका है 84 रन 13 ओवर के बाद। हरमनप्रीत कौर पहुंच चुके हैं 36 रनों की स्कोर पे। तो बेहतरीन शॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की बल्ले से आई है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13 ओवर का समाप्त हो चुका है, 13 ओवर के बाद मेलबोर्न रेनेगेड्स का स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना है। जेस डाफिन 3 रनों की स्कोर पे और हरमनप्रीत कौर 36 रन बना के खेल रहे हैं। लुरेंज चेटली का ये ओवर समाप्त हो चुका है और 4 ओवर में इन्होंने 17 रन दे के 1 विकेट निकाले हैं। अब देखना होगा कि केन गेंदबाज आए हैं यहाँ पर बॉलिंग डालने के लिए, क्या स्पिन अटैक जारी रहेगा या नहीं। तो मीडिया जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पर बॉलिंग करेंगे निकोला बोल्टन। जी हाँ, निकोला बोल्टन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए, क्या यहाँ पर कप्तान को यहाँ पर खुश कर पाएंगे निकोला बोल्टन। दाहिने हाथ के राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ जेस डाफिन को, पहला गेंद इस ओवर का। तो भाई यहाँ पर लाइक जरूर करें और चैनल पर इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके जेस डाफिन ने बॉल को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी यहाँ पर बनता हुआ 85 रन होता। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। बोल्टन फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद, क्या यहाँ पर बोल्टन 1 विकेट निकाल पाएगा इस बार। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं और मुझे लगता है कि जोखिम यहाँ पर 15 ओवर के बाद लेने वाले हैं। 15 ओवर तक इन दोनों का बने रहना बहुत ही ज़रूरत है मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए और स्कोर कम से कम 100 रन तक बन जाना चाहिए 15 ओवर। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके जेस डाफिन ने बॉल को खेल दिया है कवर के ऊपर से, 4 रन जी नहीं यहाँ पर, जी हाँ 4 रन मिल गया और इसी चौके की यहाँ पर जरूरत है मेलबोर्न रेनेगेड्स को। जेस डाफिन की यह पहला चौका बल्ले से आई है,
90 रनों तक पहुंच चुका है यहां पर मेलबोर्न रेनेगेड्स का स्कोर 13 ओवर 3 गेंदों के बाद। जब भी मौका मिला है यहां पर बड़ा शॉट, लाइक जरूर करें भाई, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस डाफिन फिर से एक बार सामना करेंगे, निकोला बोल्टन के राउंड द गेंदबाजी का इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट करके रूम बनाने की कोशिश, मगर इस बार जबरदस्त फील्डिंग, कोई रन नहीं मिला, एक रन मिलेगा यहाँ पर जिस डाफिन को और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 91 रन बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे, हरमनप्रीत कौर है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे निकोला बोल्टन की गेंदबाजी का। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके हाँ में खेल दिया है बॉल को मिड ऑन यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ और यहाँ पर वन बाउंस फील्डर ने रोक दिया है, एक ही रन मिलेगा। हाँ में बहुत देर तक था, स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने का कोशिश था इस बार हरमनप्रीत कौर का। तो इसी के साथ स्कोर जो है 13 ओवर 5 गेंदों के बाद 92 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। और इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, फ्लिक कर दिया बॉल को मिड ऑन के पास है सिंगल लेते हुए और इसी यहाँ पर लगातार दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को नहीं छोड़ रहे, सिंगल लगातार लेते हुए 14 ओवर हो चुके हैं, 14 ओवर के बाद 93 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैच 140 के ऊपर अगर रन बन जाता है तो मैच बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा देखना। तो भाई यहाँ पर और 2 लाइक दूर है 35 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 2 लाइक पूरा कर दे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आखिरी जो 6 ओवर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए और इस 6 ओवर में कम से कम यहाँ पर कोशिश होगी मेलबोर्न रेनेगेड्स का 50 रन बनाना। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोरेस सोरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, लोरेस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, आप कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं यहां पर ओवर शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि यहां पर बॉलिंग डालने आई हैं मिथिलेन ब्राउन, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ हार्ड हिट करने की कोशिश मगर बॉल बैट का किनारा लिया सीधा बॉलर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। मिथिलेन ब्राउन शायद आई है बॉलिंग डालने के लिए, पहला गेंद डॉट बॉल हुआ है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिलेन ब्राउन फिर से बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे जेस टाफी, इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर बॉल था, तो बॉल यहाँ पर नीचे रही थी, बॉल को खेल दिया मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। लगातार 2 गेंदें यहाँ पर डॉट खेला है तो जितना डॉट बेलेंगे खेलेंगे तो उतना परेशानी हो जाएगा मेलबोर्न रेनेगेड्स का। थैंक यू नायक, नायक जी थैंक यू सो मच, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार ऑफ स्टंप पे बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल, थोड़ा सा दिशा से भटके थे इस बार मिथिलेन ब्राउन और यहाँ पर वाइड बॉल होता हुआ और इसी वाइड बॉल के चलते स्कोर जो है 94 रनों तक पहुंच चुका है। जरूरत है तो 15 ओवर तक यहां पर कोशिश होगी मेलबोर्न रेनेगेड्स का 100 रन पूरे करने का, अभी भी 6 रन शॉर्ट है यहां पर 100 रनों से। स्ट्राइक पे है जेसी डाफिन और सामना करेंगे यहां पर मिथिलेन ब्राउन का। यहां पर लोरेस सोरेन जी झारखंड से जुड़े हुए हैं भाई, भाई हमारे पड़ोसी हैं यहां पर लोरेस सोरेन जी झारखंड से, मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से। और इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल, पिछवा रूम मिला था, कट किया था मगर इस बार गैप निकालने में कामयाब नहीं, सिंगल मिलता हुआ 2 रनों की कोशिश है मगर ओवर थ्रो जरूर हुआ था मगर यहाँ पर बेहतरीन थ्रो सीधा यहाँ पर विकेट कीपर के पास, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 95 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल के सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा। कोई रन नहीं मिला है, डॉट बॉल होता हुआ यहाँ पर। तो भाई हमारे साथ लोरेस सोरेन जी जुड़े हुए हैं झारखंड से, झारखंड में कहाँ भाई आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, देखते हैं कहीं अब मेरे पड़ोसी होते होते एकदम बगल में तो नहीं है। तो
भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, और लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करें। 14 ओवर 4 गेंदों के बाद 96 रन 3 विकेट के नुकसान पे जेस ग्राफिन फिर से एक बार 12 रनों के स्कोर पे खेल रही है, सामना करेंगे मिथलेन ब्राउन की गेंदबाजी का। इस ओवर की 5वीं गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल पिच हुई थी, बॉल कट कर दिया था, इस बार पॉइंट की तरफ कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो जितना डॉट खेलेंगे उतना परेशानी होगा मेलबॉर्न रेनेगर्स को। आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद पे एक बड़ा शॉट आएगा कि नहीं आएगा यह देखना होगा। जैसी डाफिन जो कि 12 रनों के स्कोर पे मैदान पे बना हुआ है, सामना करेंगे मिथलेन ब्राउन की इस ओवर की आखिरी गेंद का। मिथलेन ब्राउन राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को सीधा खेल दिया है बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 15 ओवर खत्म हो चुके हैं, 15 ओवर के बाद मेलबॉर्न रेनेगेड्स ओमेन का स्कोर सिर्फ 96 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पर जैसी डाफिन 17 गेंदों पे 12 रनों के स्कोर पे, हरमनप्रीत कौर 29 गेंदों पे 38 रनों पे खेल रही है। इस ओवर में अच्छा रहा है मिथलेन ब्राउन ने, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो सिडनी सिक्सर की नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ओवर रहा है सिडनी सिक्सर का, सिर्फ 3 रन आए हैं इस ओवर से। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई यहाँ पर साहेबगंज, जी हाँ भाई लोरेस सरन जी हमारे साथ साहेबगंज से जुड़े हुए हैं, थैंक यू लोरेस जी जुड़ने के लिए। लोरेस जी सिक्स नहीं हुआ है सिक्सर, मुझे लगता है कि सिक्सर अगर इस मेलबॉर्न रेनेगर्स को 130 से 140 के बीच रोकने में कामयाब। राधा यादव भाई हैं बॉलिंग डालने के लिए, राधा यादव का ये जो है ये ओवर जो है ये काफ़ी बेहतरीन ओवर रहने वाला है, क्योंकि इस ओवर में कोशिश होगी मेलबॉर्न रेनेगर्स के एक बड़ा इस यहाँ पर बड़ा ओवर करने का। राधा यादव का यह तीसरा ओवर है और पहली गेंद पे यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है हरमनप्रीत कौर ने। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए यहाँ पर राधा यादव लेफ्ट आर्म ओ यहाँ पर हवा में खेल दिया है, बड़ा शॉट हो सकता है, जी हाँ यहाँ पर बड़ा शॉट स्ट्रेट छक्का, स्ट्रेट ड्राइव छक्का यहाँ पर जैसी डाफिन का। राधा यादव का फ्लाइटेड गेंद था और इस बार आगे निकल के आए थे, स्टेप आउट करके शॉट लगाया सीधा लॉन्ग ऑन की ऊपर से 6 रनों के लिए, काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पर जैसी डाफिन का। और इसी छक्के के साथ स्कोर भी 103 तक पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर 2 गेंदों के बाद। राधा यादव फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, जैसी डासेन रूम बनाया बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, मगर इस बार लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा जैसी डाफिन को। और इसी 1 रनों के साथ स्कोर जो है 15 ओवर 3 गेंदों के बाद 104 रन बन चुके हैं। भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरमनप्रीत कौर जो कि यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 39 रनों के स्कोर पर खेल रही है। राधा यादव की गेंद इस बार फिर से एक बार स्वीप कर दिया, बेहतरीन स्वीप, और यहाँ पर गैप में खेला हुआ शॉट 4 रन, जी हाँ यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन स्वीप किया है गैप में खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 15 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर 108 रनों तक पहुंच चुका है। तो भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहां पर 7 लाइक दूर है 40 लाइक से। तो जल्दी से जल्दी भाई देखते हैं कितने भाई हैं जो यहां पर 7 लाइक करके हमें 40 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुंचाते हैं। राधा यादव की गेंद इस बार 16 और यहां पर मुझे लगता है सिंगल हैंडेड कैच, बेहतरीन कैच हरमनप्रीत कौर, यहाँ पर विकेट आउट होता हुआ, हरमनप्रीत कौर यहाँ पर आउट होता हुआ। फ्लाइटेड गेंद थी, आगे निकल के खेलने की कोशिश किया था, बैट का किनारा लिया सीधा बॉलर के पास हाथ में, बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर राधा यादव ने लिया है। और इसी के साथ कॉटन बोल्ड होते हुए हरमनप्रीत कौर 39 रनों की यहाँ पर 43 रनों के स्कोर पे 32 गेंदों पे 43 रन बना के यहाँ पर हरमनप्रीत कौर आउट होते हुए 134 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था हरमनप्रीत कौर। राधा यादव को पहला विकेट मिलता हुआ 19 रन दिए हैं अभी तक 2 ओवर 5 गेंदों में, 15 ओवर 5 गेंदों के बाद 108 रन 4 विकेट के नुकसान पे बना है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें, और 7 लाइक दूर है 40 लाइक थे, तो जल्दी से जल्दी भाई 7 लाइक पूरा कर दें। नए बल्लेबाज यहां पर मैदान पे आ चुकी हैं
मॉली नेक्स मुझे लगता है कि यहाँ पर आई है बैटिंग करने के लिए हरमनप्रीत कौर की जगह पे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, राधा यादव इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे मॉली नेक्स। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग कर, ये ओवर द विकेट बॉल करता हुआ मॉली नेक्स को, और इस बार फिर से एक बार हाँ में खेल दिया है और बॉल चला गया है मिड ऑफ के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर के बाद 108 रन 4 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई सभी को बोल दे कि लाइक जरूर करें। तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स जो है जीत सकता है, और 39% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर सिडनी सिक्सर जीत सकता है, 61% लोगों ने कहा है कि यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स वोमेन जो है, टोटल पोल जो है 117 वोट मिले हैं मेलबॉर्न रेनेगेड्स को, 61% लोगों ने कहा है कि जीत सकता है इस मैच में, यहाँ पर सिडनी सिक्सर को सिर्फ 39% वोट मिला है। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, पैर की तरफ बॉल किया था और सिंगल मिल जाएगा इस बार निकोला बोल्टन बॉलिंग करते हुए। अपील जरूर किया था मगर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 109 रन बन चुका है 4 विकेट का नुकसान। तो क्या लगता है भाई मॉली नेक्स आज एक बेहतर पारी खेल पाएगा, क्योंकि 4 ओवर में जरूरत है, तो यहां पर 40 रनों की अगर मेलबॉर्न रेनेगेड्स की नजरिए से देखा जाए तो। सोफिया मॉलिनेक सामना करेंगे गार्डेनर, जी हाँ बहुत देर बाद गार्डेनर को दिया गया है बॉलिंग, और गार्डेनर की पहली दूसरी गेंद और स्वीप कर दिया है मॉलिनेक ने, वाइड बॉल जी नहीं, यहाँ पर वाइड की मांग है मॉलिनेक का, मगर कोई दिक्कत नहीं है, डॉट बॉल होता हुआ। मॉलिनेक सामना करेंगे गार्डेनर, आज गार्डेनर को ये आखिरी के ओवर दिए जा रहे हैं, फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉल को, मिड ऑफ के बगल से बॉल निकल गया है, 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर मॉली नेक्स को, मगर यहाँ पर सिंगल लेके स्कोर को 110 तक पहुँचाया है। क्या लगता है भाई यहाँ पर कितने रन बन जाएंगे मेलबॉर्न रेनेगेड्स का? तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, बॉल को खेल दिया है फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल जाएगा। लगातार दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, और यहाँ पर 35 लाख तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर। तो फिर से एक बार गार्डनर बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की 5वीं गेंद, और इस बार बॉल बैट का किनारा लिया, चला गया थर्ड मैन की तरफ, यहाँ पर फील्डर भाग रहे हैं, और आखिरकार बॉल को बाउंड्री लाइन पर रोका गया है, 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर मॉलिनेक्स को, और यहाँ पर 2 रनों के साथ स्कोर भी 16 ओवर 5 गेंदों के बाद 113 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। भाई हमारे साथ जो भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करिएगा मॉलिनेक्स, और जैसी डाफिन भी यहाँ पर बैटिंग करते हुए, कम से कम मुझे लगता है कि मेलबॉर्न रेनेगेड्स का स्कोर कम से कम यहाँ से 140 तक तो पहुंचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओवर समाप्त हो चुका है, 17 ओवर के बाद 114 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो आपको क्या लगता है ये 114 रन क्या यहाँ पर 144, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या लगता है भाई आपको यहाँ पर 30 रन आ जाएंगे अब आप बाकी के जो 3 ओवर बाकी है उसमें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यहां पर थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई लाइक करो सपोर्ट करो भाई को। मॉलिनेक्स और इस बार हाँ में खेल दिया है बॉल को, बॉल यहां पर कैच थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है, 2 रन तो आराम से मिल जाएगा मॉलिनेक्स को। फ्लाइटेड गेंद थी निकोला बोल्टन का, जिसको थोड़ा सा स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था, मगर वहां पर फील्डिंग थोड़ा सा मिस, कैच ड्रॉप हुआ है। फिर से एक बार निकोला बोल्टन बॉलिंग करता हुआ,
राधा यादव आई है बॉलिंग डालने के लिए। राधा यादव की गेंद इस बार भी और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, वन बाउंस फील्डर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ। 17 ओवर दो गेंदों के बाद 117 रन बन चुका है, 17 ओवर दो गेंदों के बाद 117 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। जस्सी डाफिन जो कि बहुत देर से मैदान पे बने हुए हैं, 21 गेंदों पे 20 रनों के स्कोर पे वो सामना करेंगे इस बार राधा यादव की गेंदबाजी का। राधा यादव इस ओवर की तीसरी गेंद बॉलिंग करता हुआ जैसी डैफिन को दाहिने हाथ के खिलाड़ी का बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ स्वीप कर दिया इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ जहां पर फील्डर मौजूद है। एक रन मिलेगा, एक रन से नहीं ओवर, इस ओवर में एक बड़ा शॉट चाहिए। देखना होगा कि किसके बल्ले से आता है, मॉलिनेक से इस बार स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे राधा यादव की गेंदबाजी का। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सब को बोलूंगा भाई, और यहाँ पर 4 लाइक दूर है 40 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी 4 लाइक पूरा कर देते हो। देखते हैं कौन भाई है कि यहाँ पर राधा यादव का, और इस बार ओवर की यहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल था, कवर के ऊपर से खेला है, यहाँ पर दो रन की मांग है, मगर यहाँ पर अच्छी थ्रो सिंगल मिल जाएगा इस बार मॉलिनेक्स को। दोनों ही बल्लेबाज जोखिम तो ले रहे हैं मगर बड़ा शॉट यहाँ पर लगाने में नाकाम होते हुए। राधा यादव फिर से एक बार बॉलिंग करते हुए इस ओवर की पांचवीं गेंद, और सामना करेंगे इस बार जैसी डाफिन। दाहिने हाथ के खिलाड़ी को बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेला था, फिर एक बार टाइमिंग नहीं कर पाए, बॉल चला गया है मिड ऑन या पर डीप मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा इस बार भी। तो यहाँ पर साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, 4 लाइक और दूर है यहाँ पर 40 लाइक से, 40 लाइक आने वाले हैं। और यहाँ पर ऑफ स्टैंप पे बॉल था, कट कर दिया, कवर और पॉइंट के बीच में से बॉल निकल गया है, मगर यहाँ पर 2 रन मिल जाएंगे आखिरकार, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर भी बन चुका है 18 ओवर के बाद 122 रन, 122 रन बने हैं, 2 ओवर अभी भी बाकी है। इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में अभी तक यहाँ पर 8 रन आए हैं, इस ओवर से राधा यादव ने 8 रन दिए हैं, तो अभी भी यहाँ पर ज़रूरत है तो 2 ओवर में कम से कम 20 रनों की, क्या आ जाएंगे इसे 20 रन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्या लगता है भाई। यहाँ पर राधा यादव ने 4 ओवर कंप्लीट कर लिया, 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला ओवर कौन करेगा, मुझे लगता है कि अगला ओवर जो है यहाँ पर करने आ सकती है स्टेला कैम्बल, जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाले हैं उसके बाद से ओवर नहीं डाले हैं। गार्डनर की गेंद फुल टॉस बॉल, बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, और यहाँ पर बाउंड्री लाइन पे जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन तो आराम से लेते हुए मॉलिनेक्स। गार्डनर आई है बॉलिंग डालने के लिए, और पहली गेंद जैसी डाफिन ने यहाँ पर शॉट लगा के 2 रन लिए हैं, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 124 तक पहुंच चुका है। तो चलिए भाई बने रहिए, गार्डनर की गेंद, सामना करेंगे जैसी डाफिन, राइट अप ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार फ्लैटेड गेंद, अच्छी गेंद, और का डाला था बॉल को, बेहतरीन गेंदबाजी होता हुआ, लगातार 2 गेंदे यहाँ पर डॉट डाला है, डेथ ओवर में 2 गेंदे डॉट डालने का मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाएगा मेलबॉर्न रेनेगेड्स के लिए। तो चलिए देखते हैं, सामना करेंगे गार्डनर की गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे आके बॉल को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और सिंगल का कॉल है और सिंगल ही मिल जाएगा। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, 125 रनों तक पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर मेलबॉर्न रेनेगेड्स के स्कोर। अभी भी 2 गेंदे अभी यहाँ पर बाकी है, देखना होगा कि ये 2 गेंदों में क्या बड़ा शॉट लगा पाता है मॉलिनेक्स। मॉलिनेक्स है स्ट्राइक पे, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार कॉट आउट, कवर की तरफ खेलने की कोशिश किया था मगर पॉइंट में फील्डर मौजूद थे बॉल को कैच करने के लिए, और यहाँ पर 5वां विकेट गिरता हुआ मॉलिनेक्स के रूप में, और यहाँ पर मॉलिनेक्स आउट होता हुआ गार्डनर की गेंद पे। गार्डनर की यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जो कि बैकफुट में जाके पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश किया था मगर यहाँ पर फंस गए, मॉलिनेक्स कैच ले लिया गया है पॉइंट में। तो इसी के साथ 5वां विकेट गिरता हुआ 125 पे 5 मेलबॉर्न रेनेगेड्स का स्कोर 18 ओवर 5 गेंदों के बाद, कैच लिया है स्टेला कैम्बल ने। तो भाई थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, नाइस मुकेश द्विवेदी जी थैंक यू सो मच भाई लाइक जरूर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुकेश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। सुमित प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई बहुत देर से, मगर मैंने उनको ख्याल ही नहीं किया था। चलिए बने रहिएगा,
लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गार्डनर की गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे नए बल्लेबाज। इस बार स्वीप किया है ऑफ स्टंप पे आके, मगर क्लीन यहां पर बोल्ड होता हुआ, क्लीन बोल्ड, जी हां यहां पर क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड होते हुए, जी हां यहां पर क्लीन बोल्ड होते हुए छठा विकेट गिरता हुआ क्लीन बोल्ड। गार्डनर ने दो गेंदों पे दो विकेट निकाल लिए हैं और आउट होने वाला खिलाड़ी जो यहां पर है वो आपको बता दे डुली आज नहीं खेल पाए और आते ही क्लीन बोल्ड हो चुके। तो 19 ओवर के बाद 125 रन 6 विकेट के नुकसान पे बन चुके हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा और 2 लाइक दूर है यहाँ पर 40 लाइक से, तो जल्दी से जल्दी भाई 40 लाइक पूरा कर दे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर और देखना होगा कि कौन आई है गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ कौन आई है गेंदबाजी करने के लिए, ये आखिरी ओवर है। कार्ली लेसन है स्टाइल यहाँ पर, कार्ली लेसन नए गेंद यहाँ पर बल्लेबाज आई है और निकोला बोल्टन बॉलिंग करता हुआ राइट अब ओवर राउंड के बॉल करता हुआ इस बार आगे निकल के आए। जेसी डेफिन बॉल को खेल दिया स्ट्रेट बॉलर के बगल से 4 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर जेसी डेफिन का और इसी चौके के साथ स्कोर भी 129 रनों तक पहुंच चुका है। 20वें ओवर की पहली गेंद पे यहाँ पर चौका लगा दिया है निकोला बोल्टन की गेंद पे और मैच बहुत रोचक हो चुका है इस चौके के साथ। अब देखना होगा कि इस स्कोर को कम से कम 140 से 45 तक ले जा पाते हैं कि नहीं। फिर से एक बार निकोला बोल्टन बॉलिंग करता हुआ जैसी डेफिन को, इस बार स्लोअर बॉल था, बॉल नीचे रही, बॉल बैट का किनारा लिया चला गया फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए। 1 रन जरूर मिला है मगर यहाँ पर अच्छी शॉट की जरूरत है। क्या यहाँ पर कार्ली लेसन बड़ा शॉट ले सकता है, 4 गेंदें अभी भी बाकी है और स्कोर हो चुका है 130 रन 6 विकेट के नुकसान पे और यहाँ पर सिर्फ 2 लाइक 40 लाइक जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को फ्लिक कर दिया है, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। स्कोर 131 तक पहुँच चुका है और यहाँ पर 40 लाइक तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 लाइक का जरूरत है। तो भाई जल्दी से जल्दी भाई लाइक करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर जैसी डाफिन, फुल टॉस में बॉल को लिया था, बॉल को खेल दिया डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 4 रनों के लिए ये इस ओवर में दूसरा चौका और स्कोर 135 तक पहुंच चुका है। अभी भी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर में, अभी भी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर में। बहुत ही उमदा शॉट और स्कोर को 135 तक पहुंचा दिया है 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल आता हुआ, इस बार विकेट छोड़ के खेल दिया है बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है, 2 रन देखना पड़ेगा। जी हाँ यहाँ पर 2 रन के लिए भाग चुके हैं और यहाँ पर रन आउट होता हुआ कार्ली लेसन। 2 रन की कोशिश था और 2 रनों की कोशिश में यहाँ पर कार्ली लेसन आउट होते हुए 7वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रन आउट हो चुके हैं कार्ली लेसन और जैसी डाफिन अपने पास स्ट्राइक कर रखा है। तो यहाँ पर देखना होगा भाई, बने रहिएगा क्या यहाँ पर एक बड़ा शॉट और कितने रन बनते हैं। जैसी डाफिन सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अगली गेंद का, आखिरी गेंद होवे इस ओवर की और निकोला बोल्टन की गेंद हवा में खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से और 6 रनों के लिए भाई आखिरी बॉल में छक्का लगा के स्कोर को 141 तक पहुंचा दिया है भाई। बेहतरीन शॉट यहाँ पर जैसी डाफिन का और इसी शॉट के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 142 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद। जहाँ पर यहाँ पर बात करें जैसी डाफिन की 41 रनों का एक जबरदस्त इनिंग्स खेला है। अभी यहाँ पर सिडनी सिक्सर को थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा फाइट आज मैच में देखने के लिए मिलेगा। 142 रन की अगर बात करें, मेलबोर्न रेनेगेड्स ने स्कोर बोर्ड में 142 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पे और ये स्कोर कुछ कम नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोर है, फाइटिंग स्कोर है। आप इस स्कोर को डिफेंड भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 143 120 गेंदों पे सिडनी सिक्सर को यहाँ पर
143 रन बनाने हैं। एक टाइम लगा था कि यहाँ पर 120-130 रन बनेंगे। पहला जो 6 ओवर था, उस 6 ओवर में जब स्कोर 6 ओवर के बाद 43 रन बन गए थे, 41 या 43 कुछ रन बने थे पावर प्ले में, तब लगा था कि जी हाँ यहाँ पर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। तब भी बैटिंग कर रहे थे रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर, खास करके वो जो पार्टनरशिप था हरमनप्रीत कौर और यहाँ पर रॉड्रिगेज का, वो काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप था। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफी बेहतरीन मैच यहां पर होता हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर 20 ओवर में रन बने हैं, आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर रन बने हैं। आप लोगों ने हमारे साथ बने रहे और यहाँ पर बता दें कि एवलिन जोन्स एंड रॉड्रिगेज आए थे ओपन करने के लिए और यहाँ पर एवलिन जोन्स बहुत जल्दी आउट हो चुके थे। 4 रन बना के चौका लगाने के बाद एलिसा पेरी की एक फ्लाइटेड गेंद थी जिसको स्वीप करने की कोशिश किया था बैट का किनारा लेके, और पॉइंट में फील्डर मौजूद थे जो कि कैच ले लिया एवलिन जोन्स का। उसके बाद रॉड्रिगेज और कॉर्डनी वेब भी स्टेला कैम्बेल की एक अच्छी गेंद पे शेफाली वर्मा ने कैच लिया था। बल्ला पहले लेके आ गए थे और स्लोअर बॉल था, थोड़ा सा बॉल जो है बैट जो है आगे खेल दिए थे और बॉल जो है बैट का किनारा लेके शेफाली वर्मा ने कवर में फील्डिंग कर रहे थे, उनको कैच दे बैठे कॉर्डनी वेब। उसके बाद रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर के बीच एक अच्छे साझेदारी बने और स्कोर यहां पर जब रॉड्रिगेज आउट हुए तब स्कोर जो था यहां पर रॉड्रिगेज आउट होने का टाइम यहां पर टीम का स्कोर जो था यहां पर 72 रन थे तब रॉड्रिगेज आउट हुई और उसके बाद हरमनप्रीत कौर और जैसी डाफिन ने मिलकर स्कोर को 105-108 तक पहुँचाया। उसके बाद हरमनप्रीत कौर आउट हो गई, राधा जाधव ने उनको कॉट एंड बोल्ड आउट किया था। जेसी डाफिन उसके बाद भी बनी रही और मॉली नेक्स के साथ स्कोर को 125 तक पहुंचाया। उसके बाद तो आप जानते हैं मॉली नेक्स आउट होने के बाद डूली भी उसी ओवर में उस दूसरे ही गेंद पे आउट हो गई। गार्डनर ने उनको मॉली नेक्स और सोफिया डूली या जॉसफाइन डूली को आउट किया। कार्ली लेसन बनी रही और जेस डाफिन के साथ यहाँ पर बैटिंग करते हुए स्कोर को 135 तक यहाँ पर 140 यहाँ पर 42 तक पहुँचा दिया 142 तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पर आपको बात करें कि बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग में आप देख सकते हैं लुडेन चेटली 4 ओवर डाले हैं, एक मैडन। पहला ओवर इनका काफ़ी बेहतरीन ओवर रहा था। पहली ओवर में मेलबोर्न रेनेगेड्स एक भी रन नहीं बना पाए थे और पहला ओवर मैडन था वही एक मैडन और 4 ओवर में एक मैडन और 17 रन देके एक विकेट। इकोनॉमी रेट देखिए इनका, इकोनॉमी 4.25 का इकोनॉमी रेट से बॉलिंग किया। एलिसा पेरी ने 2 ओवर डाले हैं, 15 रन देके एक विकेट निकाले हैं। 7.5 का इनका जो इकोनॉमी रेट है वो 7.5 का है। मिथलेन ब्राउन ने 3 ओवर डाले हैं, 16 रन दिए हैं, इनको कोई सफलता नहीं मिला है मगर अच्छी इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी किया है। स्टेला कैम्बेल काफ़ी महंगे रहे, पहली ओवर डाले थे और पहली ओवर में 17 रन दिए थे और एक विकेट निकाले थे, उसके बाद इनको और कोई ओवर नहीं दिया गया। निकोला बोल्टन ने 4 ओवर डाले हैं, 4 ओवर में 37 रन दिए हैं और कोई सफलता नहीं मिला है। राधा जाधव ने 4 ओवर डाले हैं, 27 रन दिए हैं और एक विकेट निकाला है।